एक होता ऐसा है, और सबसे पहले तो आपकी नंबर माँ दो। फोर्थ से आती है, फिर आपका इनिशियल बेसिक एजुकेशन जो है प्राइमरी लेवल का वहां से आता है, प्राइमरी मतलब अभी तो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी भी वहीं से आता है आज के डेट पे। फिर और क्या आता है वहां पे, आपके घर की बात होती है, फिर आपके सुख की बात होती है, फिर आपके मन की बात होती है, ये आपका हाउस ऑफ, ये कौन सा है चार हाउसेस में से, हाउस ऑफ शुद्धि यहां से होता है, करेक्ट, शुद्धि का हाउस भी यही से है इनिशियल शुद्धि के बाद। और क्या इसके अलावा, व्हीकल्स, व्हीकल्स की बात यहाँ से होती है, कंफर्ट की बात यहाँ से होती है, और जनता संस्कार, का मन, प्रॉपर्टी, जनता का मन प्रॉपर्टी, है ना, माइंड ऑफ दी, क्योंकि मन है तो जनता का मन भी यही से अपने को पता चलता है, यही से आप जनता के साथ जुड़ते हैं, है ना, प्रॉपर्टी भी यस, तो आपका घर भी यहां से पता चलता है। अब जब लोग फोर्थ हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब फोर्थ हाउस में एनर्जी कौन सी दो ग्रह की आ गई, फोर्थ हाउस में जो एनर्जी मून आएगी की। दो ग्रह की, वो इसमें से एक जो है वो है मून, फोर्थ हाउस में मून की एनर्जी आ गई, और दूसरा है वीनस, क्योंकि वीनस यहाँ पे दिग्बली होता है। तो फोर्थ हाउस की जब हम बात करेंगे तो दो एनर्जी साथ में चलने वाली है, एक है मून का एनर्जी जो माइंड की बात कर रहा है, इमोशंस की बात कर रहा है, और दूसरा है वीनस जो कि डिजायर की बात कर रहा है, रिलेशनशिप की बात कर रहा है, लग्जरी की बात कर रहा है। तो कहीं पे भी जाएंगे तो ये सब चीजें जाएंगी। तो अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड, फोर्थ हाउस लॉर्ड जाके बैठेगा फर्स्ट हाउस में, तो क्या हो गया, चित्त के ऊपर, सॉरी बुद्धि के ऊपर, इंटेलेक्ट के ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव आ गया, शुक्र और चंद्र का प्रभाव आ गया। मतलब यहां पे ये व्यक्ति को बहुत क्रिएटिव बनाएगा, पहली बात, क्योंकि आपके इंटेलेक्ट पे शुक्र और चंद्र का प्रभाव आया है, मतलब द पर्सन विल बी वेरी वेरी क्रिएटिव इन नेचर, है ना, क्योंकि क्रिएटिविटी मर्क्यूरी और विनस से आती है, सॉरी क्रिएटिविटी जो है मून और विनस से आती है। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जैसे ही आपके लग्न पे बैठा, उसने आपको प्रभावित किया मून और विनस से। अब आपके अंदर इमोशंस बाय डिफॉल्ट आएंगे, क्रिएटिविटी बाय डिफॉल्ट आएगी, आपके अंदर लव टूवर्ड्स ऑल लग्जरीज, क्योंकि ये कहां पे जाके बैठा है, आपके इंटेलेक्ट पे जाके बैठा है, आपके बुद्धि स्थान पे गया है, तो बुद्धि स्थान पे शुक्र गया, आपकी बुद्धि कहां पे चलेगी, आपकी बुद्धि लग्जरीज में चलेगी। अब यहां पे जैसे ही ये जाएगा फोर्थ हाउस लॉर्ड वहां पे जाएगा, तो ये आपको हमेशा नई नई चीजों में इंटरेस्ट पैदा करके देगा जो कि आपको सुख देना चाहेगी। तो मून वहां पे बैठा, तो पर्सन विल ऑलवेज वॉन्ट्स टू लर्न समथिंग, ठीक है। अब यहां पे बिकॉज इट हैज द एनर्जी ऑफ शुक्र, तो शुक्र की एनर्जी के कारण आप बहुत अट्रैक्टिव बन जाते हो, दिखने में सुंदर दिन बनने हो, और बिकॉज ऑफ दैट यू आर, मून का भी एनर्जी है, मून का डायनामिक है और शुक्र वहां पे बैठा है, दोनों सुंदरता के ग्रह आपके चेहरे पे बैठेंगे, आपके बॉडी पे बैठेंगे, तो आपको ये सुंदर दिखाएंगे, आपको अपनी उम्र से यंग प्रतीत करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिस पर्सन हु हैज चंद्र एंड वीनस ऑन द लग्न, दिस पर्सन विल हैव ऑल काइंड ऑफ लग्जरीज इन हिज लाइफ, इनके लाइफ में हर तरह का लग्जरी आएगा। और अब देखो, लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस, लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस इज सीटिंग ऑन योर इंटेलेक्ट, तो आपके इंटेलेक्ट पे अगर हैप्पीनेस का, प्रेम का, आपके कंफर्ट का ग्रह बैठेगा, तो क्या होगा कि आपका इंटेलेक्चुअल यू विल बी ऑलवेज हैप्पी, आप हमेशा खुश रहना पसंद करोगे, खुशी के लिए सब चीजें करोगे, और खुश रहने की इच्छा रखोगे और खुश रहोगे भी, ठीक है। अगर ये मैनिफिक नेचर का है तो हम आदमी हमेशा खुश रहेगा। अब यहां पे अगर ये प्लैनेट की बात करें, मून और वीनस, ये दोनों सॉफ्ट है, दोनों के दोनों प्लैनेट सॉफ्ट है, तो ये इसी वजह से ये इंसान बहुत वीक प्रतीत हो सकता है, ये आपको इमोशनली बहुत वीक बना सकता है, आपको सॉफ्ट बना सकता है, सॉफ्ट हार्टेड बना सकता है, और बहुत लेवल पे इमोशनल बना सकता है। ये सभी चीजें जो है, अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो ये सभी चीजें होंगी, और अगर मेलिफिक प्लैनेट है तो ये सभी चीजें आपके लाइफ में उल्टे तरह से होंगी, जहां पे आप परेशान होंगे, इमोशनल हो जाएंगे, आप दुखी रहोगे, हमेशा हमेशा प्रॉब्लम को फेस करोगे और चैलेंज को सहन करोगे।
मतलब बुद्धि जो है वो कुबुद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ये आपके मन के ऊपर दुष्प्रभाव आएगा, है ना। ये मन की बात करें, फोर्थ हाउस लॉर्ड मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट मन। तो अगर आपके मन के ऊपर दुष्प्रभाव आया और वो मेलेफिक होके आपके इंटेलेक्ट पे बैठा, तो मन और बुद्धि साथ में गलत काम करने की टेंडेंसी को पैदा करेगी। तो वेन एवर यू हैव गुड, ऑल द गुड थिंग्स इन द फोर्थ हाउस विल कम इन टू योर इंटेलेक्ट, एंड इफ यू आर बैड देन ऑल द बैड थिंग्स विल हैपन टू यू। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट हाउस। अगर हम लोग अभी सेकंड हाउस की बात करते हैं, तो सेकंड हाउस प्लेसमेंट ऑफ द फोर्थ लॉर्ड, तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? वीनस और मून उठ के कहां जा रहा है? वीनस और मून उठ के जा रहा है आपके जुपिटर और वीनस के पास, क्योंकि सेकंड हाउस का कारक क्या है? जुपिटर है और मालक कौन है? वीनस है। तो यहां पे फोर्थ हाउस लॉर्ड जैसे ही सेकंड हाउस पे बैठेगा, ये अपने से किसमें बैठा? इलेवंथ हाउस में बैठा। फोर्थ हाउस लॉर्ड इफ इट गोज टू द सेकंड हाउस इट विल गो 11 फ्रॉम द सेल्फ, मतलब आपकी जितनी भी डिजायर्स है रिगार्डिंग कंफर्ट, रिगार्डिंग लग्जरीज, रिगार्डिंग घर, रिगार्डिंग माँ, ये सभी जो आपकी इच्छा है, ये इच्छा को पूर्ण करने की टेंडेंसी ये रखेगा। दूसरा, अगर ये लॉर्ड, द लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस, द लॉर्ड ऑफ जी कंफर्ट लग्जरी प्लेजर, अगर ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठेगा, तो ये इंसान को सुख कहां से मिलेगा? ये इंसान को सुख पैसे से मिलेगा, ये इंसान को सुख मनी से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पैसे से सुख, मनी से सुख का टेंडेंसी जो है ये दर्शाता है, ठीक है, फोर्थ हाउस लॉर्ड। फिर सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि खुद से एलेवन में बैठा है। तो जनरली ये सभी लोग जो है वो बहुत धनी होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, मदर का लॉर्ड, द लॉर्ड ऑफ द मदर इज गोइंग 11 फ्रॉम द सेल्फ, मतलब क्या कि जैसे ही इस इंसान का जन्म हुआ, जैसे ही इस इंसान का जन्म हुआ, इसके मदर के जो सभी डिजायर्स है, ड्रीम्स है, वो पूरे होने चालू हो जाएंगे। तो द बर्थ ऑफ दिस चाइल्ड विल बी वेरी वेरी लकी टू दिस, मतलब। और मदर भी क्या करेगी? मदर भी इस व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगी, क्योंकि मदर क्या गई? मदर खुद से एलेवन गई है ना। मदर का जो लॉर्ड है वो खुद से एलेवन गया, मतलब इस व्यक्ति ने, इस चाइल्ड ने कुछ भी अगर अपने मदर से मांगा, तो उसकी मदर इस व्यक्ति की सब इच्छाओं को पूर्ण करेगी, ठीक है। फिर अगर ये पाप पीड़ित हो जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे ही ये पाप पीड़ित होगा, ये वहां पे बैठ के अष्टम की एनर्जी को कैप्चर करेगा, क्योंकि वहां से सेवन दृष्टि में अष्टम भाव आ गया। तो जैसे ही ये पाप पीड़ित हो जाएगा, यहाँ पे इस व्यक्ति के इनिशियल संस्कार पाप पीड़ित हो जाएंगे, यहाँ पे इस व्यक्ति का मन पाप पीड़ित हो जाएगा, और हाउस ऑफ डिजायर्स, हाउस ऑफ लग्जरी, और यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी जो है विनस की एनर्जी है, तो यहाँ पे भी डिजायर की एनर्जी है, और पाप पीड़ित यहाँ पे हो जाएगा। तो दिस पर्सन विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन अदर्स वाइफ और अदर्स हस्बैंड, क्यों? क्योंकि ये आपके सप्तम का भी अष्टम है, आपके सप्तम का अष्टम है, मतलब वहां पे सेक्सुअल एनर्जीज है, वहां पे डिजायर की एनर्जीज है, तो वो एनर्जी भी इनकी लाइफ में आएगी। अब अगर यहाँ पे पाप पीड़ित हो जाएगा, तो एक बात तो तय है, अगर फोर्थ लॉर्ड खुद से 11वें में जा रहा है, तो ये सभी इच्छाओं की और ड्रीम की पूर्ति करने वाला है, खुद से 11th में जा रहा है, 11वें में जा रहा है, तो पैसा तो आएगा। अगर ये पाप पीड़ित है, तो इंसान गलत तरीके से पैसा कमाएगा, और अगर ये शुभ है, पीड़ित नहीं है, तो ये सही तरीके से बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। तो दूसरा, प्रॉपर्टी का लॉर्ड, प्रॉपर्टी का लॉर्ड उठ के पैसे में जाके बैठा, मतलब ये कॉम्बिनेशन है जहां पे इंसान प्रॉपर्टी से पैसे बनाएगा, ये कॉम्बिनेशन जहां पे इंसान प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकता है, प्रॉपर्टी जो है खरीदी बिक्री में कर सकता है, कुछ भी, मतलब जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ बिजनेस करने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। और यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया ऑलरेडी कि ये जो लोग हैं वो पैसे से प्लेजर को या हैप्पीनेस को प्राप्त करते हैं, इनको, इन लोगों को पैसे कमाने में मजा आता है, दिस पीपल एंजॉय अर्निंग मनी। अब यहाँ पे ये बहुत एडवेंचरस, एडवेंचरस क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाउस है वो हाउस
उस घर से तीसरा है और तीसरे घर में पराक्रम आता है, तीसरे घर में एडवेंचर आता है। इसलिए ये जो प्लेसमेंट है ये इस व्यक्ति को एडवेंचरस भी बनाता है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड इज एलियन फ्रॉम सेल्फ एंड फोर्थ हाउस इज थर्ड फ्रॉम दी फोर्थ लॉर्ड, तो ये इस व्यक्ति को एडवेंचरस भी बनाता है। ठीक है, फिर यहां पे इफ इट इज अ पाप पीड़ित तो ये कनिंग, द इंसान विल बी वेरी शार्प, उसकी जीवा में कनिंगनेस आएगा, उसकी इंटेलेक्ट में मन में कनिंगनेस आ गया, क्योंकि ये पाप मन को उसने कलुषित कर दिया। अब यहां पे ये जो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ दी फोर्थ हाउस, मन का लॉर्ड जुबान पे जाके बैठा है, तो इन इन लोगों को अपनी मन की बातें कहने में बड़ी आसानी होती है। दीज पीपल कैन टॉक वेरी फ्रीली फ्लुएंटली अबाउट देयर इमोशंस, ये अपनी बातों को अपनी इमोशंस को बहुत आसानी से, अपने भाव को बहुत आसानी से व्यक्त कर पाते हैं, बोल पाते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर मनी जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, और प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए भी दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये दिस पर्सन बिकम्स वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, तो प्रॉपर्टी की सभी इच्छाएं ड्रीम्स ये प्लेसमेंट पूर्ण करता है। ये आप में से किसी का है फर्स्ट और सेकंड हाउस में बाय एनी चांस? सर मेरा है। सर मेरा भी है। कौन से हाउस में है? सर सेकंड हाउस में मून है। हाँ मून भी है और फोर्थ राशि भी है सर। अच्छा वहां पे स्वराशि मून है। हाँ सर। अरे ये जो है वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। हाँ सर मेरा मेरा है फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में, यानी पांचवी राशि है चौथे घर में और सन है सेकंड हाउस में। करेक्ट राइट। हाँ स्वराशि नहीं हो सकता वहां पे मून, क्योंकि मून के पास एक ही राशि है। सब फोर्थ राशि है ना मून के पास। हाँ तो वो अगर आप आपका लग्न कौन सा है? लग्न 3 नंबर का जेमिनी। तो आपका फोर्थ लॉर्ड कौन सा हो गया? 4-5 मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मर्क्यूरी के मर्क्यूरी के चार्ट में, मर्क्यूरी के चार्ट में और जुपिटर के चार्ट में, मतलब जुपिटर का लग्न है आपका, अगर मर्क्यूरी का लग्न है आपका तो केंद्र के स्वामी जुपिटर और मर्क्यूरी ही होते हैं। अगर तीसरी नंबर की राशि है लग्न में या छठे नंबर की राशि है या नाइन्थ और ट्वेल्थ है तो यहाँ पे केंद्र के जो लॉर्ड होते हैं वो जुपिटर और मर्क्यूरी ही होते हैं, बराबर ना? ओके सर मेरा है। हाँ तो इसमें से कितना लागू होता है आपको सेकंड हाउस के प्लेसमेंट के लिए जो हमने? हाँ सर सब सही है, सब मेरी बात मानते हैं, सब सही है। सब पैदा हुई थी तब का तो पता नहीं अभी। हाँ मदर जो है, हाँ मदर जो है वो आपके बारे में सभी चीजें जो है वो होंगी, ठीक है। और फादर, क्योंकि जो कारक है फोर्थ हाउस का आपका, मतलब पिता का जो कारक है वो आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड है, तो पिता भी आपकी बातों को मानेंगे ऐसे। और पिता और माता दोनों से प्लेजर, दोनों से इच्छा पूर्ति का टेंडेंसी दर्शाता है आपका चार्ट। सर हाँ ये अभी अभी हुआ है वैसे तो सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लग्न में मून और वीनस की एनर्जी लेके बैठता है इंसान, सॉफ्ट नेचर का होता है, तो क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज भी फेमिनाइन होती है, क्योंकि दोनों फेमिनाइन प्लैनेट्स हो गए, सॉफ्ट प्लैनेट्स हो गए? नहीं, इमोशनल हो गया, पहली बात तो इमोशनल हो गया। अब मून और वीनस की एनर्जी लेके जा रहा है, लेकिन प्लैनेट कौन सा लेके जा रहा है? अगर सैटर्न लेके जाएगा तो इंसान जो है वो स्लो हो जाएगा, मंगल लेके जाएगा तो इंसान जो है अग्रेसिव नेचर करेगा, है ना? तो वहां पे कौन सा प्लैनेट, सन जाएगा तो अथॉरिटी हो जाएगा, मर्क्यूरी जाएगा तो इंटेलिजेंट हो जाएगा, दिखने में और यंग दिखेगा और डायनेमिक होगा, तो कौन सा प्लैनेट वो एनर्जी लेके जा रहा है वो भी तो मैटर करता है। फेमिनाइन ट्रेट्स आएंगे वो जरूरी नहीं। हाँ इमोशंस का बहुत, क्योंकि दोनों जल तत्व के ग्रह है ना, दोनों जल तत्व के ग्रह, तो इमोशंस बहुत रहेंगे इस व्यक्ति में, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज फेमिनाइन का बात हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्लैनेट कौन सा वो एनर्जी लेके जा रहा है वो मैटर करता है। सर एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको समझ में आया तो जवाब देना, ये जो लोग थोड़ा सा फेमिनाइन बॉडी लैंग्वेज देते हैं वो किस ट्रेट से देख सकते हैं हम? लाइक एक इसमें दो तरीके, एक तो फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस जो है वो लग्न है आपके, मतलब आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो, और जो लग्नेश है वो आपका व्यवहार, आप अपनी बॉडी के साथ कैसा व्यवहार करोगे, बॉडी कैसा यूज करोगे, वो आपका लग्नेश है। तो अगर आपके लग्नेश पे
लग्नेश में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ जाए ग्रहों का, तो जिस ग्रह का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आएगा उस तरह का बॉडी लैंग्वेज आपका बन जाएगा। जैसे मेरे लग्नेश के ऊपर किसका है, मेरे लग्नेश के ऊपर जो लग्नेश मतलब हाँ मेरे लग्नेश के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो मर्क्यूरी का है, मेरे लग्नेश के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो इसका है अपना जुपिटर का है, सन का है, वीनस का है, वीनस तो मेरा लग्नेश ही है ना, तो वीनस लग्नेश हो, तो इसलिए देखो मैं जब बातचीत करूंगा तो मैं हमेशा किस तरह से बातचीत करूंगा कि कहीं ना कहीं अलंकृत भाषा आ जाए शब्दों में, शब्दों का चयन बड़ा अच्छा रहेगा हमेशा हमारा। मैं लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम करूंगा क्योंकि ब्यूटीफुल वीनस क्या है, ब्यूटीनेस दिखा था हर चीज को ब्यूटी, तो मैं कपड़े अच्छे पहनूंगा, मैं अच्छा दिखने की कोशिश करूंगा, मैं अच्छा मतलब जो भी अच्छा है वो चीज मैं मेरे लाइफ में लाने की कोशिश करूंगा, समझ रहे बात को आप। तो ये वीनस का एनर्जी हो गया, मर्क्यूरी का एनर्जी क्या करेगा, मर्क्यूरी का एनर्जी मेरे लग्नेश पे आ गया तो मैं बातचीत बहुत करूंगा, मेरे को बातचीत अच्छा लगेगा, मुझको व्यापार अच्छा लगेगा, मुझको पैसे की बातचीत अच्छी लगेगी, मुझको बुक्स अच्छे लगेंगे क्योंकि मर्क्यूरी का एनर्जी आ गया है ना। फिर जुपिटर का है तो आई विल लाइक टू कोच टीच, अगर वहां वहीं पे यहाँ पे लग्नेश के ऊपर है तो मैं बॉडी को कैसे यूज कर रहा हूँ ये लग्नेश बताएगा कि लग्नेश के ऊपर कौन कौन से चीजों का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो लग्नेश आइडेंटिफाई होगी। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मैं लोगों को कैसे दिखूंगा, वो कहां से पता चलेगा, वो अपने लग्न से पता चलेगा। तो लग्न पे जिन जिन चीजों का असर आएगा वो डिफाइन करेगी कि ये व्यक्ति बाकी लोगों को दिखेगा कैसा। क्या आपको समझ रहे हैं जो बात बोल रहा हूं, तो लग्नेश अपनी बॉडी को कैसे यूज कर रहे हैं और लग्न मतलब आपका ओवरऑल बॉडी कैसा है। आर यू गेटिंग इट? ओके सर। हाँ बाकी लोग समझे, सभी लोग सर वापस से बोलूं इसी टॉपिक पे बात करोगे? हाँ बोल दो। मेरे पास एक कुंडली है पर उसमें कोई भी प्लैनेट का वो नहीं आ रहा दृष्टि। हाँ नहीं वैसे वैसे बात नहीं करेंगे हम लोग, अपन कंसेप्ट की बात करेंगे अभी है ना, अपन कंसेप्ट अगर कुछ है तो पूछें ठीक है। ओके तो हाँ तो ये समझा अभी सभी, आपको लग्नेश और लग्न में कैसे अंतर होता है, कोई भी हाउस का आप म्यूट कर लो सभी लोग। तो हाउस लॉर्ड मतलब हाउस लॉर्ड क्या बताता है कि ये व्यक्ति क्या करेगा। प्लीज एवरीवन म्यूट। हाँ तो कोई भी लॉर्ड जो है, गायत्री कपूर जी प्लीज म्यूट, एवरीवन प्लीज म्यूट। हाँ तो कोई भी लॉर्ड जो है वो क्या बताता है कि ये व्यक्ति उस चीज को कैसे करेगा, रिजल्ट कहाँ पे देगा और कैसे देगा। और हाउस क्या बताता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में उस चीज के संबंधित एनर्जी कैसे बनेगी। तो लग्न मतलब ओवरऑल आपका अपीयरेंस और लग्नेश मतलब आप अपनी बॉडी को कैसे यूज करने वाले। जैसे अभी हमने क्या देखा, हैप्पीनेस कहां से देखेगा, फोर्थ हाउस से देखेगा। लेकिन इस व्यक्ति को हैप्पीनेस कौन सी चीज से मिलेगा वो उसका प्लेसमेंट बताएगा फोर्थ हाउस लॉर्ड का। तो फोर्थ हाउस लॉर्ड का प्लेसमेंट अगर मनी में है तो उसको मनी से हैप्पीनेस मिलेगा ठीक है। चले आगे कि किसी को प्रश्न है इसको लेकर। सर तो मेरा मून जो सेकंड हाउस में बैठा है और उधर राशि भी फोर्थ राशि है तो दैट इज नॉट दिस। ये फोर्थ हाउस लॉर्ड नहीं है ना, ये आपका सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में, जो हमने लास्ट टाइम सिखा था, सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में मैरिज की तकलीफों को बढ़ाता है इफ यू रिमेंबर। ओके ओके क्योंकि अष्टम फ्रॉम सेवंथ है। ओके ओके सर ठीक। और कोई किसी और प्रश्न सर? सर आई गॉट कंफ्यूज्ड, ये कौन सा लॉर्ड किसमें कैसे एक बार सर प्लीज थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ हाउस लॉर्ड गोइंग इनटू द डिफरेंट हाउसेस। तो पहले हमने डिस्कस किया कि फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर लग्न में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। फिर हमने देखा कि फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। अगर लग्न में बैठेगा जो राशि है उसका लॉर्ड वी आर टॉकिंग करेक्ट, जो फोर्थ हाउस में आपका राशि है उसका जो प्लैनेट है, जिस प्लैनेट का राशि जाएगा उस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो प्लैनेट अलग अलग जगह पे जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा। जैसे आपका कुंडली कौन सा, आपका कुंडली मेरे हिसाब से सिक्स है, वर्गो कन्या वर्गो का है, तो आपका जुपिटर हो गया, आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड बिकम जुपिटर राइट, जुपिटर वहां पे आपकी धनु राशि आएगी, तो धनु राशि का लॉर्ड जो है मालिक जो है वो जुपिटर है। अब आपका जुपिटर कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे गया है, एट्थ हाउस में सर। तो आपका जुपिटर क्या बताता है, फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, हम सीखेंगे ठीक है।
ठीक है ठीक है ओके ओके नाउ अब यहां पे फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द थर्ड हाउस. अब फोर्थ हाउस में वीनस और मून की एनर्जी, और जैसे ही वीनस थर्ड हाउस में जाता है इंसान को बहुत ज्यादा टैलेंटेड बना देता है. राइट, हमने सीखा है कि द पर्सन हु हैज वीनस इन द थर्ड हाउस द पर्सन बिकम्स वेरी वेरी टैलेंटेड, है ना. तो यहाँ पे मन का एनर्जी लेके आप कम्युनिकेशन के भाव में जाओगे, और वीनस और मून का एनर्जी लेके आप कम्युनिकेशन के भाव में जाओगे, तो ये इंसान को बहुत ज्यादा टैलेंटेड बना देता है. ये इंसान बहुत अच्छे लेवल पे अच्छा तरीके का काम कर सकता है. अब यहाँ पे देखिए फोर्थ हाउस लॉर्ड गोइंग इनटू द थर्ड हाउस, ये अपने से कितने में जा रहा है, अपने से 12वें में जा रहा है ना, 12th हाउस में जा रहा है. तो कोई भी लॉर्ड अगर खुद से 12वें में जाएगा तो क्या होगा, अगर अगर कोई भी लॉर्ड खुद से 12वें में जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है कि दिस पर्सन विल गो टू द फॉरेन. और क्योंकि ये फोर्थ हाउस मदरलैंड को भी दर्शाता है, ऐसे लोग जिनका फोर्थ हाउस लॉर्ड थर्ड में जाके बैठेगा, ऐसे लोग जनरली विदेश यात्रा या विदेश या बहुत ज्यादा यात्रा करते हो आपको दिखेंगे. ये लोग कभी भी अपना खुद का घर इन्होंने नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब जब वो खुद का घर खुद की मदरलैंड में बनाने की कोशिश करेंगे इनको बहुत मुश्किलें हो जाएगी. अब घर का लॉर्ड जाके कहाँ पे बैठा है, युद्ध के यहाँ पे बैठा है, मतलब घर बनाने में युद्ध की युद्ध जैसी परिस्थिति होगी. और घर का लॉर्ड जाके बैठा है कहाँ पे, घर का लॉर्ड जाके बैठा है प्रयत्न में, तो घर के संबंधित उनको बहुत ज्यादा प्रयत्न भी करने पड़ेंगे. तो ये पूरी लाइफ दिस पीपल विल ऑलवेज स्ट्रगल फॉर द हाउस, दिस पूरी लाइफ दिस पीपल विल ऑलवेज हैव टू फाइट फॉर द हाउस. तो ऐसे लोगों ने जनरली अपनी मातृभूमि पे खुद के नाम पे घर नहीं बनाना चाहिए. और ये लोग ने अगर घर बनाया भी तो ये लोग हमेशा आपको ट्रैवल करते देखेंगे, हमेशा ये अपने घर में सेटल नहीं हो पाएंगे. दिस पीपल विल ऑलवेज हैव डिफिकल्टी इन सेटलिंग. अगर तीसरी बात करेंगे तो माइंड, मन का लॉर्ड जाके बैठा है, मन का लॉर्ड जाके बैठा है खुद से 12वां मतलब थर्ड हाउस में, मतलब युद्ध की इसमें. तो यहाँ पे ये लोगों का मन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में या वॉर जैसी सिचुएशन में रहेगा, ये खुद के मन के साथ, क्योंकि खुद के मन से ही 12वां हो गया. तो ये ऐसे वो लोग हैं जो अपने खुद के मन के साथ ही झगड़ते रहते हैं, ही लव्स मी नॉट जैसी सिचुएशन ये क्रिएट करता है. अब यहाँ पे देखिए हाउस द लॉर्ड ऑफ प्लेजर, लॉर्ड ऑफ प्लेजर लॉर्ड ऑफ कंफर्ट, लॉर्ड ऑफ लग्जरीज इज गोइंग इनटू द हाउस ऑफ एफर्ट्स. तो ये व्यक्ति जिंदगी भर इन सब चीजों को प्रयत्न करने के लिए एफर्ट करता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए ये व्यक्ति हमेशा सेल्फ अर्न मनी पे जीता है. सेल्फ अर्न मनी क्यों, क्योंकि बाकी जब जब आपको ये सब चीजें मिलेगी, अगर आप फादर से मिला या कहीं और से मिला, तो आपको कंफर्ट जो है वो उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा. करेक्ट, अगर मुझको मर्सिडीज मेरे डैड ने गिफ्ट कर दी तो मेरे के लिए मुझको लग्जरी के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर मैंने खुद ने खरीदी है तो मैंने एफर्ट लिए. इसीलिए इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि दीज पीपल विल ऑलवेज हैव सेल्फ अर्न मनी. ठीक है, और हाँ, तो ये माँ के मतलब माता के हाउस के 12th में, तो कहीं ना कहीं माता को भी यहाँ पे दुख हो रहा है, माता को भी तकलीफ हो रही है, माता को भी चैलेंजेस आ रहे. अब यहाँ पे ये जो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस या फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का रिलेशनशिप क्या बनता है, फोर्थ और नाइन्थ का रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप फोर्थ एंड नाइन्थ, रिलेशनशिप है. तो कहीं ना कहीं द लॉर्ड ऑफ ट्रबल्स फॉर फादर इज योर मदर, है ना. आप मियां बीवी का जो रिलेशनशिप वही आपके फादर और इसका था, तो योर ट्रबल इज योर वाइफ, और पिता के लिए ट्रबल इज हिज वाइफ, है ना. जोक्स अपार्ट, दिस इज अष्टम फ्रॉम द नाइन्थ. तो पिता का जो ट्रबल है वो उनके मारक भाव में जाके बैठा है, दैट इज दी सप्तम भाव. तो इसके कारण आप और ये माता के 12वें में बैठा और फादर के मारक में बैठा, अष्टम भाव, अष्टम का लॉर्ड हो गया. इसीलिए दिस प्लेसमेंट ऑफ द थर्ड लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड गिव्स ट्रबल टू द फादर एंड मदर. तो फादर को भी तकलीफ होती है और मदर को भी तकलीफ होते है अगर ये मैलेफिक नेचर का रहेगा तो, मतलब इसके अगर इसके ऊपर अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया, इसके ऊपर अगर प्रॉब्लमेटिक इन्फ्लुएंस आया
तो ये लॉर्ड माताजी और पिताजी दोनों के लिए खराब बन जाता है। सर इनकी वजह से खराब होगा, इनके रिलेशन खराब हो गए या कोई और तकलीफ होगी? नहीं, इनको तकलीफ होगी। कौन सी तकलीफ होगी? देखो अगर ये मेलेफ्यू होके कहाँ पे बैठेगा, मेलेफ्यू के आपके छोटे भाई भाई छोटे भाई बहन के इससे तो छोटे भाई बहन से तकलीफ होगी है ना। फादर के लिए ये सप्तम है, मतलब बीवी से तकलीफ होगी, आपके छोटे भाई बहन से तकलीफ होगी, आपके प्रयत्नों से तकलीफ होगी, आपके बातचीत से तकलीफ होगी। तो थर्ड हाउस लॉर्ड में जितनी भी टेंडेंसीज है वो सब चीजों से माताजी और पिताजी को तकलीफ होगी। सर मुझे ना थोड़ा सा ये पॉइंट समझ नहीं है, माताजी पिताजी वाला जो आप पहले से बता रहे थे समझा देना। तो देखो थर्ड हाउस इज द 12th फ्रॉम द मदर, मदर इज द 4th हाउस एंड इट इज द 7th, थर्ड हाउस इज द 7th फ्रॉम द फादर, ओके करेक्ट, विच इज द 9th हाउस। तो 9th हाउस का सप्तम भाव है और थर्ड हाउस का 4th हाउस का 12th भाव है। अब थर्ड हाउस इज 8th फ्रॉम 9th, थर्ड हाउस इज 8th फ्रॉम 9th, मतलब पिता का जो तकलीफ है, पिता की जो चैलेंजेस है वो कहां से पता चलेंगे? फोर्थ हाउस से पता चलेंगे। और वो प्रॉब्लम कौन देगा? फोर्थ हाउस लॉर्ड देगा, विच इज प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में जब ये बैठता है तो पिता को डायरेक्टली अपोज कर रहा है, और पिता का ये कौन सा भाव है? पिता का ये मारक भाव। सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस हम लोग मारक भाव समझते हैं, राइट? किसी भी घर से सेकंड और सेवंथ मारक होता है। पिता का 8th हाउस उनके मारक में बैठेगा, तकलीफ देगा कि नहीं देगा? तकलीफ देगा। इसलिए फादर को भी तकलीफ होती है ये प्लेसमेंट से, और मदर को भी तकलीफ होती है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में? जब ये मैलेफिक नेचर का। सर पर ये तो 7th आता है ना, 8th नहीं आता है ना? हाँ, पर एनर्जी किसकी है? इसके पास एनर्जी कौन से हाउस की है? फोर्थ हाउस की, मतलब अष्टम भाव की एनर्जी है फादर के लिए, तो अष्टम भाव की एनर्जी है। और अष्टम भाव की एनर्जी लेके ये खुद से मारक में बैठा है। सातवां भाव, किसी भी घर से सातवां भाव क्या होता है? मारक होता है। ओके हाँ, तो ये मारक की एनर्जी लेके बैठा है। सेकंड भाव और सातवां भाव जो है वो मारक होता है। तब तो ये बहुत ज्यादा खराब हो गया सर, क्योंकि एक मैलेफिक तो खराब है, मैलेफिक तो खराब है, मैलेफिक। ठीक है, दूसरा, कोई भी जगह पे मन अगर 12वें में बैठा है तो मन खुद के लॉस में बैठा है, राइट? मतलब कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट अगर बेनिफिक है तो ये प्लेसमेंट में इंसान जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से समझ पाता है या एक्सेस कर पाता है। हमने बोला ना 12th हाउस इज सबकॉन्शियस माइंड एज वेल, करेक्ट? तो माइंड का लॉर्ड जब 12th में बैठेगा तो ये आपको सबकॉन्शियस माइंड का जो गट फीलिंग बोलते हो या एक्सेस बोलते हो, इन लोगों के लिए अच्छा होता है। ये लोग ध्यान भी अच्छे से कर पाते हैं। अगर बेनिफिक नेचर का है तो दीज पीपल कैन गो इनटू डीप मेडिटेशन वेरी इजीली, है ना? इन लोगों का मेडिटेशन का भी टेंडेंसी अच्छा हो सकता है, ध्यान अच्छा हो सकता है। ये वाला पॉइंट प्लीज। हाँ, तो देखो मन किसी भी घर से 12th हाउस जो है वो क्या रहता है? वी टॉक अबाउट योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड। किसी भी घर से 12th हाउस उस घर का सबकॉन्शियस माइंड। तो ये तो मन का ही हाउस है, मन का लॉर्ड खुद से 12वां गया, मतलब कहां पे गया? सबकॉन्शियस माइंड के पास गया। इसी वजह से इन लोगों को ध्यान करना है। ये देखो ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है कि आप इस समाज से दूर गए, आइसोलेशन में गए हो। और फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर थर्ड में जाएगा तो आइसोलेशन में जा रहा है, मन आपका आइसोलेशन में जा रहा है। इसी वजह से ये व्यक्ति अच्छे लेवल पे मेडिटेशन ध्यान धारणा कर सकता है। इसका सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होता है, इनका गट फीलिंग स्ट्रांग होता है। समझ पाए आप लोग? ठीक है, आप में से है किसी का ये प्लेसमेंट? अरे आप में से किसी का है क्या ये प्लेसमेंट? सर मेरा है। मित्र जी आपका है? तो आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे आपके आपके जन्म के साथ ही। फिर आपकी मम्मी की तबीयत में खराबी होंगी, फादर को तकलीफें आएंगी, है ना? वो चैलेंज आएंगे जी सर।
और आपको हमेशा पैसे कमाने के लिए सॉरी आपको हमेशा पैसे कमाने के लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे फिर, है ना, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी चाहिए, मतलब बेसिक मिल गया, लग्जरी के लिए आपको एफर्ट बहुत लेने पड़ेंगे। हाँ सर, जब जब विश छोड़ देती हूँ तभी कुछ मिलता है थोड़ा सा। और घर का क्या, घर के संबंध में आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी? सर, सर इसी बात पे बता रही हूँ कि माय फादर एंड मी हैड अ जॉइंट प्रॉपर्टी दिस वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ, लेकिन वो गुजर जाने के बाद सर अभी 10 साल हो गए लेकिन प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है क्या आपका लॉर्ड? नहीं सर, वीनस है। अच्छा, वीनस है, कर्क लगना है सर। कर्क लगना में वीनस, करेक्ट, वीनस आएगा, वीनस आएगा सर। हाँ, तो वीनस वहां पे बैठा है। हाँ, और साथ में कौन है? मास। हाँ, तो आपको बिना झगड़े की नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी आपको। इसलिए सर वो नाम पे चढ़ाने की मैं कोशिश ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब भी करती हूँ तो इतना बड़ा बवाल करते हैं। 3 बार वो हो चुका है, अभी मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे नाम पे ही सब आ रहा है, आपको मेरे नाम की नंबर प्लेट नहीं लगानी है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझो इनको प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू आ रहा है, क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी के हाउस में, मर्क्यूरी के हाउस में मंगल मेलेफिक और प्रॉपर्टी का लॉर्ड मेलेफिक। हाँ सर, तो प्रॉपर्टी के लॉर्ड को उसने मेलेफिक के लिए इन्फ्लुएंस किया, इनको झगड़े किए बगैर इनके नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि मंगल बोलेगा पहले झगड़ा करो, मेरा केयरे कंप्लीट करो। हाँ सर, इसलिए मैं शांत बैठी हूँ, मैंने बोला कोई नहीं, मेरे नाम का बिल है, सब मेरे नाम पे है, लाइट बिल सब सब मेरे नाम पे है, सिर्फ वो नेम प्लेट नहीं डाल रहे। मैंने बोला कोई बात नहीं, नेम प्लेट नहीं है तो नहीं है, चलेगा। करेक्ट, तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित तकलीफ है, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि देखो ये लॉर्ड जो है मंगल, इनके चार्ट में कौन सा लॉर्ड है? फिफ्थ लॉर्ड। तो फिफ्थ लॉर्ड किसका है? पूर्व पुण्य का है, पूर्व पुण्य का लॉर्ड और द लॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी इज टुगेदर, मतलब ये क्या दर्शाता है कि इनको प्रॉपर्टी किससे मिलने वाला है? पूर्व पुण्य से मिलने वाला है। तो किससे मिला? फादर से मिला। ऐसा, तो जब से ये जन्मी है इनके पास हमेशा प्रॉपर्टी तो है, इनके नाम पे हो ना हो प्रॉपर्टी हमेशा है। हाँ सर, और सर सन इज आल्सो सिटिंग इन द फोर्थ हाउस। सन, सन इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। तो वो तो अच्छा, मतलब हमने तो बोला ही है, तो ये चलो इसके वजह से थोड़ा सा शांति है। हाँ, वरना गवर्नमेंट में जाते था, ये केस कोर्ट में जाता था, बट नहीं गया, उसका यही एक कारण है सर, क्योंकि फैमिली आफ्टर ऑल सुख तो देना चाहता है आपको। यस, सेकंड हाउस लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, फैमिली सुख तो देना चाहता है, फैमिली कंफर्ट देना चाहता है, फैमिली उस लेवल पे झगड़ा, मंगल होने के बावजूद उस लेवल पे झगड़ा नहीं हो रहा है। यस सर, ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो ऐसा देखो कितना, यस वेलकम, कितना मस्त है ये। तो फादर दिखने में हमेशा स्ट्रांग थे ना, फिजिकली ही वाज वेरी फिट ऑल द टाइम। यस सर, वेरी फिट। समझे आप सभी लोगों को, कैसे पता चला? मंगल की वजह से, मंगल का एस्पेक्ट जाता है 7th हाउस पे, 9th हाउस पे। तो ये एक कुंडली से हम सबका कुंडली पता कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, और किसी और कोई क्वेश्चन थर्ड हाउस को लेके? ओके फाइन, नाउ फोर्थ हाउस, अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाके बैठेगा तो क्या होगा? द पर्सन विल गेट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू लग्जरी, क्योंकि कहीं पे भी जो भी लॉर्ड स्वराशि होता है, जो भी लॉर्ड स्वराशि होता है वो ये बोलता है कि मुझको इस घर से संबंधित हर तरह का कंफर्ट तुमको देना है, मतलब जो लॉर्ड स्वराशि होके बैठेगा वो आपके लाइफ में उस घर से संबंधित चीजें, आपकी खुशी आपको देना चाहता है। भले ही अगर आपका मार्स बैठा है वहां पे, तो मार्स अग्रेशन तो लाएगा लेकिन उससे संबंधित चीजों का सुख आपको देगा। शनि शनि बैठेगा तो धीरे धीरे देगा, चैलेंज करके देगा, एफर्ट लगाने के लिए देगा, लेकिन उस घर से सुख आपको जरूर मिलेगा। तो कोई भी घर का लॉर्ड जब स्वराशि होकर बैठता है तो उस घर से संबंधित सुख आपको मिलते हैं। इसीलिए जब फोर्थ हाउस लॉर्ड वहां पे बैठेगा तो उस घर से संबंधित, मतलब इस व्यक्ति के पास लग्जरीज आएंगी, प्रॉपर्टीज आएंगी, सुख आएगा, प्लेजर आएगा, इसको जिस जिन चीजों से सभी चीजें मिलती है, प्लेजर मिलता है, ये सभी चीजें इसकी लाइफ में पक्का आएगी, हर तरह का मनी और हर तरह की चीजें। ठीक है, नाउ ये व्यक्ति जो है वो स्किलफुल भी होगा, मतलब दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी
स्किलफुल, ये बहुत सारी चीजें अपने स्किल के द्वारा ये कर पाएगा। क्यों यहाँ पे स्किल क्यों, कोई कोई बताएगा व्हाई फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस विल मेक अ पर्सन स्किलफुल? व्हाई अ फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस विल मेक अ पर्सन स्किलफुल, कोई बता पाएगा? तो ये फोर्थ हाउस लॉर्ड जब फोर्थ में बैठता है, मन का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में बैठता है, तो वो देखता कहाँ है? वो देखता है कर्म की तरफ। इसलिए कर्म से संबंधित चीजों को ये अभी फोर्थ हाउस लॉर्ड मतलब बहुत पावरफुल हो गया ना, मतलब स्वराशी लॉर्ड मतलब पावरफुल लॉर्ड, पर लॉर्ड विच हैज लॉर्ड गॉट लॉट ऑफ पावर। तो ये बहुत पावरफुल होकर जब कर्म की तरफ देखता है तो कर्म को बहुत अच्छे लेवल पे करने का जो टैलेंट है वो आपको देता है। इसीलिए ये व्यक्ति बहुत स्किलफुल और वर्चुअस, वर्चुअस मतलब जो अपनी वर्चू को रखेगा, ऐसे वर्चुअस बनाता है, ये जो कोई भी चीजें करेगा वो सही तरीके से करेगा, अच्छा करेगा, ठीक है। अब यहां पे ये अपनी वाइफ के लिए भी, फोर्थ हाउस लॉर्ड प्लेसमेंट फोर्थ हाउस वाइफ के लिए काफी फेवर, मतलब स्पाउस के लिए भी वेरी फेवरेबल है। ये स्पाउस के प्रति इन लोगों का नेचर जो है वो बहुत अच्छा होता है, ये अपनी वाइफ की बहुत केयर करते हैं, ठीक है। अब यहां पे दिस पर्सन विल गेट ऑल दी हैप्पीनेस फ्रॉम दी, ये वो तो आपको समझा ना कि फॉर वाइफ, क्योंकि चतुर्थ दशम का रिलेशनशिप है, चतुर्थ दशम की रिलेशनशिप में अभी ये जो है फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस मतलब आपके आपका हैप्पीनेस का लॉर्ड वाइफ के कर्म में चला गया, मतलब वाइफ के लिए जो आप कर्म करने वाले हो उससे आपको क्या होगी, खुशी मिलेगी वाइफ के लिए, मतलब वाइफ के लिए जो आप काम करोगे उसमें आपको खुशी मिलेगी, या स्पाउस के लिए जो काम करोगे उसमें आपको खुशी मिलेगी। इसीलिए फोर्थ हाउस लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस बिकम्स वेरी वेरी गुड फॉर दी वाइफ, तो ये व्यक्ति वाइफ के लिए बहुत खुशी खुशी काम कर लेते हैं, ठीक है। वाइफ मतलब स्पाउस, आप स्पाउस पकड़ो, मैं वाइफ बोल रहा हूं। फिर ये हर तरह का हैप्पीनेस मिलेगा बिकॉज मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू द हैप्पीनेस, लॉर्ड ऑफ मदर इज इन टू द फोर्थ हाउस, इसीलिए आपको मदर से सभी तरह का खुशी मिलेगा और सभी वो चीज जो फोर्थ हाउस को दर्शाती है, जैसे व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, जनता हो गया, ये सभी चीजों से यहाँ पे जनता का भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, जनता भी आपको बहुत पसंद करेगी, है ना, क्योंकि जनता का माइंड है। तो ऐसे लोगों को व्यक्ति जो है वो बहुत पसंद भी करते, दिस पीपल हैव बीन लाइक्ड बाय, क्योंकि जनता का मन और इनका हैप्पीनेस तो ये एक हो गया, तो कहीं ना कहीं जनता विल गिव देम द हैप्पीनेस, जनता का मन वहीं पे बैठ गया, तो जनता के मन से और मतलब जनता विल बी अटैच्ड टू दिस पीपल, ठीक है। तो ये लोग काफी बड़ी लेवल पे लोगों से, बहुत सारे लोगों से जुड़ पाएंगे। फिर ये पब्लिक ओरिएंटेड बिजनेस कर सकते हैं, बेसिकली पब्लिक से जुड़ा हुआ बिजनेस कर पाएंगे या नौकरी कर पाएंगे, जहां पे दिस पीपल विल बी एबल टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल। फिर ये एग्रीकल्चर, क्योंकि फोर्थ हाउस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द लैंड एंड एग्रीकल्चर, तो फोर्थ हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज भी दर्शाता है कि दिस पर्सन कैन बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, या ये एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं या खेती बाड़ी कर सकते हैं। और हाँ, तो यहां पे देखिए, नाउ बिकॉज फोर्थ हाउस इज फॉर लग्जरीज हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस का लॉर्ड अगर आपके कर्म को देखेगा तो आपसे आपको किस तरह से कर्म करवाएगा। अगर आस्पेक्ट आ गया सेवंथ आस्पेक्ट, फोर्थ हाउस लॉर्ड सेवंथ आस्पेक्ट टेंथ हाउस, और आस्पेक्ट में क्या दर्शाता है, आस्पेक्ट दर्शाता है कि वो व्यक्ति उस तरह से काम करे, कोई भी लॉर्ड कहीं पे एस्पेक्ट देगा मतलब वो क्या चाहेगा कि ये व्यक्ति ने इस तरह से काम करना चाहिए। तो अगर लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस स्वराशी होके काम को देखेगा तो ये इंसान क्या करेगा, ये इंसान ऐसे कर्म करेगा जिसमें उसको हैप्पीनेस मिलेगा। सो दिस पर्सन विल बी डूइंग थिंग्स थ्रू विच ही विल गेट द हैप्पीनेस। इसीलिए ये सेल्फ नेचर्ड बिजनेस जहां पे व्यक्ति को मजा आता है, खुद के चॉइस का काम करने की टेंडेंसी यहाँ पे दर्शाता है, ऐसी काम ही करने की इच्छा जिसमें इनको मजा आवे, प्लेजर मिले। तो ऐसे बहुत लकी लोग होते हैं वो, है ना, हमारे जैसे, जो वो काम करते हैं जिसमें इनको मजा आता है। यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू वन गाय
एंड आई वॉज टेलिंग हिम कि अरे मैं तो 4-5 घंटे पढ़ता हूँ, फिर 1-2 घंटा मैं मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं मतलब फिर मैं पढ़ाता हूँ और ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ. तो उसने बोला यार फिर तुम तो बहुत बोर होते हो, तुम्हारा लाइफ तो यार बहुत स्ट्रगल का है, तुम एंजॉय कब करते हो? मैंने कहा मैं 24 घंटा, बिकॉज दैट इज व्हाट आई लव. That is, I like to read, I like to teach, I like to do exercise, I like to do meditation. तो जो मेरे सब पसंद के काम है मैं 24 घंटा कर रहा हूँ, तो मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ. तो ये फोर्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, तो ये टेंडेंसीज आपको आपके काम के प्रति देता है कि आप ऐसा ही काम करना चाहोगे जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगा. सेल्फ नेचर बिजनेस, जो बिजनेस आप खुद की चॉइस से करना चाहो. समझा आपको? फोर्थ हाउस किसी का है? मेरा है, आपको तो पता चल गया होगा, मैंने तो एग्जांपल भी दिया. और किसी के आपने से? हाँ सर मेरा नहीं है, पर मैं ये सारे काम एंजॉय करती हूँ. हाँ तो आपका लग्नेश और फोर्थ हाउस का रिलेशनशिप रहेगा. हाँ सर, सैटर्न है, सैटर्न देखता है, मार्स देखता है. हाँ तो कहने की रिलेशनशिप रहेगा तो ही. देखो क्या होता है, दूसरा अगर आपका लग्नेश ने भी फोर्थ हाउस को देखा या लग्नेश का प्लेसमेंट थर्ड हाउस में हो गया, तो भी इंसान चॉइस का बिजनेस करने की टेंडेंसी रखता है. लेकिन क्या आपको उसमें से बहुत खुशी मिलेगी, ये डिसाइड करता है आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड. तो अभी फोर्थ हाउस लॉर्ड और थर्ड हाउस लॉर्ड आपका सॉरी लग्नेश साथ में ना आपके? हाँ सर, आपका लग्नेश और सन, नहीं सन सन का प्लेसमेंट कहाँ है आपका? सेकंड हाउस में. सन का सेकंड हाउस में है और वीनस थर्ड हाउस में है, जो हाँ, कि मेरा लग्नेश है, लग्न का. हाँ तो हॉबीज का काम करोगे आप, क्योंकि वहां पे वहां चला गया. और आप ऐसा मतलब आप इस तरह से पैसा कमाना चाहोगे जहां पे आपको खुशी मिलती है. आपका पैसे कमाने का जो टेंडेंसी है वो हैप्पीनेस का है और आपको पैसे कमाने में मजा आएगा, क्योंकि थर्ड हाउस फोर्थ हाउस लॉर्ड गोइंग टू द सेकंड हाउस. हां सर. और किसी का प्लेसमेंट नहीं है स्वराशि फोर्थ हाउस? ओके तो हमारे पास बहुत कम लोग हैं फोर्थ हाउस लॉर्ड. किसी को भी प्रश्न पूछना है इसमें? स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्टिल? ओके नाउ फिफ्थ हाउस. वैसे चिंता मत करो, मैं पीपीटी आपको जो भी नोट्स निकाले वो आपको मिलने वाले, आप इसमें जो नहीं लिखा है वो लिखिएगा, ठीक है. नाउ फोर्थ हाउस लॉर्ड गोइंग इनटू द फिफ्थ हाउस. अब मन, मन उठ के कहां जा रहा है? चित्त में. चित्त में जा रहा है. तो मन में जो भी विचार आएंगे वो डायरेक्ट आपके मेमोरी में जाएंगे. तो ये लॉर्ड ऑफ द केंद्र इज गोइंग टू त्रिकोणा. लॉर्ड ऑफ केंद्र टॉक्स अबाउट विष्णु एंड लॉर्ड ऑफ द त्रिकोण टॉक्स अबाउट द लक्ष्मी. ये लक्ष्मी स्थान है, सबसे प्योर जो स्थान है, सबसे बेनिफिक जो स्थान है आफ्टर लग्न, वो है त्रिकोण. तो त्रिकोण की एनर्जी सबसे अच्छी एनर्जी होती. तो यहां पे जब लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस गोज टू द फिफ्थ हाउस, दिस क्रिएट्स अ राजयोग. जब भी त्रिकोण और केंद्र की एनर्जी मिलती है तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है, विष्णु और लक्ष्मी साथ में. तो यहां पे ये राजयोग की क्रिएशन करता है. राजयोग का मतलब क्या? राजयोग का मतलब होता है व्यक्ति अपने तरीके से अपनी लाइफ जी पाएगा और इसके लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी. ये होता है राजयोग. फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति है जिसका राजयोग है, तो ये व्यक्ति हमेशा इसके पास काम बहुत रहेगा. काम रहेगा, घर पानी चलेगा, घर पैसा घर चलाने के लिए उसको कभी भी परेशानी नहीं होगी. और दूसरा होता है धनयोग. तो राजयोग और धनयोग क्या फर्क है? तो धनयोग में आदमी पैसे कमाएगा लेकिन उसको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी. धनयोग में व्यक्ति पैसे कमाएगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, लेकिन लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में कुछ. जैसे कई सारे बिजनेसमैन है ना, जिनके पैसे बहुत है लेकिन दुनिया उनके बारे में नहीं जानती है. और कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़ा भी पैसा कमाया
तो भी इनको पता है कि ये इंसान ने पैसा कमाया, इसके पास पैसा है, जिसका प्रसिद्धि हो रहा है। तो राजयोग आपको प्रसिद्धि देता है, राज आपको कंफर्ट देता है, और धनयोग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे लेके आता है। तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस में क्या है, फिफ्थ हाउस में राजा का दरबार लगता है। फिफ्थ हाउस में राजा है ना, राजा का घर कौन सा है, फिफ्थ हाउस है, तो यहाँ पे दरबार लगता है। इसी वजह से जनता का धन किसके पास होता है, जनता का धन राजा के पास होता है। इसीलिए फिफ्थ हाउस में हम जनता के धन का भी बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि ये व्यक्ति की लाइफ में पैसा बहुत आएगा, और कहीं ना कहीं वो पैसा जनता के धन के साथ जुड़ा होगा। तो ये व्यक्ति जिनका मन और मेमोरी, माइंड एंड चित्त, ये दोनों एसोसिएटेड है, ये व्यक्ति के माइंड को बहुत शार्प बना देते हैं। मतलब ये व्यक्ति की मेमोरी ऐसे आ जाएगी, इनको बहुत कोई भी चीज बहुत जल्दी याद आएगी और बहुत जल्दी याद हो भी जाएगी, ठीक है। जो भी माइंड में गया वो चित्त में गया, और जो भी चित्त में है वो माइंड में आ गया, ठीक है। फिर यहां पे आप देखो, लॉर्ड ऑफ द हैप्पीनेस इज गोइंग टू द पूर्व पुण्य, लॉर्ड ऑफ द हैप्पीनेस इज गोइंग टू द पूर्व पुण्य, मतलब कहीं ना कहीं इनको जो हैप्पीनेस मिलने वाला है, इनका जो हैप्पीनेस का सोर्स है वो पुराने जन्म से है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति आपको सदा हैप्पी गो लकी नेचर के दिखेंगे, हैप्पीनेस के दिखेंगे। दिस पीपल विल बी ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि इनके चित्त में क्या बैठा है, इनके चित्त में बैठा है हैप्पीनेस, ठीक है। तो दिस पीपल विल ऑलवेज बी हैप्पी इन देयर लाइफ। अब ये जो है सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ सस्टेनेंस फॉर द फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस द सेकंड हाउस ऑफ द फोर्थ हाउस विच इज द हाउस ऑफ सस्टेनेंस ऑफ द फोर्थ। इसीलिए फिफ्थ हाउस से जुड़ी हुई सभी चीजें इस व्यक्ति को खुश रखेगी, मतलब बच्चे इस व्यक्ति को खुश रखेंगे, मंत्र साधना इस व्यक्ति को खुश रखेगी, पूर्व पुण्य उसका लाइफ का वो इस व्यक्ति को खुश रखेगा। जितनी भी चीजें फिफ्थ हाउस से जुड़ी हुई है, ये सभी चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि इस व्यक्ति के हैप्पीनेस का, कंफर्ट का ध्यान रखे। इसलिए ऐसे व्यक्ति के बच्चे जो है वो इनका बहुत ख्याल रखते हैं, कंफर्ट इनको देते हैं, ठीक है। तो संतान जो है, बच्चे इन लोगों को हैप्पी करेंगे। अब लॉर्ड ऑफ विष्णु विच इज द केंद्र लॉर्ड इज गोइंग टू द मंत्र, मतलब विष्णु से संबंधित मंत्र साधना। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे टेक्स्ट में लिखा गया है कि ये लोग डिवोटी होते हैं विष्णु के, मतलब कहीं ना कहीं दिस पीपल हैव लॉट ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स द लॉर्ड, मतलब विष्णु मतलब कोई भी भगवान, तो भगवान के प्रति मन जो है मंत्र साधना में चला गया, तो पूरे मन के साथ ये लोग मंत्रों की साधना कर पाएंगे, और इसीलिए दिस पीपल विल हैव डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड, ठीक है। तो मंत्र हैप्पीनेस देगा, इनका मंत्र हैप्पीनेस देगा और हैप्पीनेस इनका मंत्र रहेगा। कई लोग बोलते ना कि मेरा जो सिद्धि का मंत्र है, या मेरे प्रसिद्धि का जो मंत्र है, या मेरे सक्सेस का जो मंत्र है, तो वो मंत्रा जो है यहां से डिफाइन होता है। दिस पीपल विल हैव हैप्पीनेस एज ए मंत्रा, और मंत्रा एज ए हैप्पीनेस। एंड ऑफकोर्स मन कहां पर चला गया इन व्यक्तियों का, इनका मन कहां पर चला गया, बच्चों के ऊपर, बच्चों के। तो ये लोगों का मन हमेशा बच्चों में अटका रहे, तो ये वो लोग हैं जो रात को सोएंगे, उठेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये बोलेंगे मेरा बच्चा किधर है, अरे किधर गया मेरा बच्चा किधर है। तो दिस पीपल विल ऑलवेज हैव देयर माइंड स्टक ऑन द किड्स, ओके। ये भक्ति योग है, बिकॉज चंद्रा जो है डिवोशन का कारक है ना, डिवोशन कहां से आता है, फोर्थ हाउस से आता है, चंद्र है कारक डिवोशन का। इसीलिए ये लोग जो है भक्ति योग, ये भक्ति योग है, क्योंकि मंत्र और डिवोशन ये दोनों साथ में आ रहे, एंड दैट इज हाउ इट इज द भक्ति योग, ठीक है। बुद्धि, मंत्र और किड्स हैप्पीनेस, वेरी क्रिएटिव पर्सन। अभी फिफ्थ हाउस में एनर्जी किसके जा रही है, फिफ्थ हाउस में एनर्जी जा रही है वीनस और मून की। तो जैसे इंटेलेक्ट पे जब मून और वीनस गया, हमने बोला कि ये व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है, वैसे जब चित्त पे जाएगा तो भी ये
आपके माइंड को बहुत क्रिएटिव बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देखो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनता है, जुपिटर सन, जुपिटर सन मून और वीनस, है ना। जुपिटर इसलिए क्योंकि कारक है फिफ्थ हाउस का, सन इसलिए क्योंकि मालक है वहां का, और इसके साथ एनर्जी मिक्स होगा मून और वीनस का, ओके। तो इस तरह से फिफ्थ हाउस प्लेसमेंट ऑफ द फोर्थ हाउस विल टॉक टू अस। एनी क्वेश्चंस? सर आई हैव वन क्वेश्चन। तो मेरे डैड का भी है फोर्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, उनका है 10th राशि इन द फोर्थ हाउस एंड सैटर्न इज इन द 11th हाउस, सॉरी फिफ्थ हाउस। बट सर आप बोल रहे हो कि दे आर हैप्पी ऑलवेज, आपने जो बोला वो बरोबर है, लेकिन सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है। सैटर्न ना वहां पे, सैटर्न है तो सैटर्न क्या, देखो जो लॉर्ड जाएगा वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लेके जाएगा। हाँ। तो सैटर्न क्या करेगा, पूरे पुण्य को ब्लॉक करेगा। हाँ। हमने पढ़ा था ना कि फिफ्थ हाउस सैटर्न, हाँ, तो मैलिफिक ग्रह जाके वहां पे बैठा है फोर्थ हाउस लॉर्ड बनके, तो वो लेट करेगा, ही विल गेट एवरीथिंग आफ्टर द एज ऑफ 36। हाँ, उनका 34 से सब कुछ स्टार्ट हुआ एंड बट मून इज आल्सो इन द फिफ्थ हाउस उसके साथ। तो ये मन को, तो ये विश योग हो गया ना, ये तो मन के ऊपर सैटर्न का विश आ गया, तो मन जो है वो मेलिफिक हो गया, मदर जो है वो मेलिफिक हो गई, और सैटर्न ये मून किसका लॉर्ड है चार्ट में? मून इज इन 10th, नहीं उस कर्क फोर्थ राशि इज इन 10th हाउस। हाँ, तो कर्म, तो ये पिता का कर्म लाइफ लॉन्ग, पिता जो है बिजनेस को लेके डिस्टर्ब, अपने काम को लेके डिस्टर्ब, करेक्ट। पिता क्योंकि पिता के कर्म का लॉर्ड सैटर्न के साथ बैठा है, मेलिफिक हो गया, मतलब पिता ने जिंदगी भर हमेशा अपने बिजनेस को बदला है, चेंज किया है, या उसमें नया कुछ करने की कोशिश की, क्योंकि पुराना नहीं चला, अभी ये नहीं चला, ये बंद करो, ये नहीं चला, वो बंद करो, ये दुकान यहां से हटा, उधर लेके जाओ, ऐसे ही काम। इनके फादर ने नहीं, जिसका चार्ट है ये, उसका चार्ट है वो, हाँ। उसका कर्म का लॉर्ड है वो, हाँ, चार्ट है उसके कर्म का लॉर्ड है वो, तो ऑलवेज अनस्टेबल बिजनेस, अनस्टेबल कर्म, कर्म में हमेशा उन्होंने बहुत बदलाव किया, लाइफ लॉन्ग चेंजेस किए। नहीं सर, एक ही चालू हुआ कब से? बिजनेस एक रहेगा, करने का तरीका बदला, रीइन्वेंट करना पड़ा, मशीनें खरीदनी पड़ी, जगह बदलनी पड़ी, बिजनेस में कस्टमर बार बार बदले, चैलेंजेस बहुत आए, हमेशा तकलीफ में रहे। ओके दैट वे, ओके ओके ओके। एंड वन मोर चार्ट आई हैव, मेरे हस्बैंड का भी है फोर्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, वीनस इज इन द फिफ्थ हाउस, बट उसका भी ऐसा नहीं है, ही इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, मतलब ऐसा Venus, मतलब गुस्से में रहता है, कर्क है। लग्न इज क्या पूछ रहे हो आप? लग्न 11th है। हाँ, तो वो तो श्रापित ही है ना? हाँ, श्रापित है आपने बोला, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि तो ये कैसे इम्पोर्टेंस। तो वीनस जो है फोर्थ हाउस लॉर्ड गोइंग टू द फिफ्थ हाउस, इनके पूर्व पुण्य से इनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल गई है, पर लग्न जो है वो स्ट्रगल का है। तो पूर्व पुण्य से घर मिल गया, पूर्व पुण्य से अच्छे पेरेंट्स मिल गए, पूर्व पुण्य से बच्चे अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन इनकी लाइफ का स्ट्रगल, क्योंकि लग्नेश का स्ट्रगल तो है। ओके, लग्नेश का स्ट्रगल तो है और मेलिफिक होगा तो तकलीफ में, इसमें इन्फ्लुएंस आता है किसी का? नो। तो बेनिफिक है तो पूर्व पुण्य से सब चीजें आ गई ना, सैटर्न का एस्पेक्ट है। हाँ, लग्नेश का एस्पेक्ट भी है और मेलिफिक है, सैटर्न मेलिफिक नेचर, तो मेलिफिक एस्पेक्ट है, इसीलिए जो इतने भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, अब ये खुश नहीं रह पाएंगे, हमेशा नाराज रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, पूर्व पुण्य मिलेगा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट आएगी इसकी गारंटी नहीं, यहाँ पे तो सब नेगेटिव हो गया पिक्चर, मन के ऊपर तो सैटर्न का प्रभाव आ गया, मतलब जिंदगी भर इंसान हंस नहीं पाएगा, हंसेगा ही नहीं, कितना भी बड़ा जोक सुनाओ स्माइल नहीं आएगी चेहरे पे, क्योंकि हैप्पीनेस ही अब्सेंट है, ड्राई हो गया, विश आ गया मन के ऊपर, और ऐसे व्यक्ति जनरली हर एक इंसान के ऊपर डाउट करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके मन में विष आ गया, इनके चित्त में विष आ गया है, अब ये व्यक्ति किसी भी इंसान पे आसानी से भरोसा नहीं रख पाएगा, द पर्सन विल ऑलवेज बी डाउटफुल अबाउट अदर पीपल। वो expressions रहते हैं ऐसे फेस पे कि क्या बोल रहा है करके। It is difficult for them to trust. Trust, right? क्योंकि
मन में विष आ गया, मतलब इन्होंने नेगेटिविटी देख ली। इसीलिए कहा जाता है कि आप क्राइम पेट्रोल जैसी चीजें मत देखो, या फिर आप गंदे न्यूज़पेपर मत पढ़ो। गंदे मतलब पुराने वाले, गंदे वाले नहीं, जिसमें न्यूज अच्छी नहीं आती ऐसी न्यूज पे, क्योंकि जैसे ही आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने पिक्चरें देखी, ये चीज कहाँ पे गई, आपके चित्त में जाती है, इसीलिए चित्र की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। हमने बोला ना अच्छा पेंटर रहता है, फोटोग्राफी मेमोरी बात किया था, विनस एस्पेक्टिंग दी फिफ्थ हाउस, विनस इन द फिफ्थ हाउस, आपके इसका इनका रहेगा वो फोटोग्राफी मेमोरी, है ना, मेमोरी तो बहुत अच्छी, हाँ फोटोग्राफी मेमोरी बहुत अच्छा रहेगा, क्यों, तो विनस फिफ्थ हाउस से बैठा है, लेकिन मेलेफिक हो गया, मतलब अब यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज का है कि निगेटिविटी बहुत है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जो याद रहना चाहिए वो नहीं रहता है, ऐसा उल्टा है। करेक्ट, तो ये नेगेटिविटी है जो हम बात करना, दिस इज अबाउट दी नेगेटिविटी। तो आपने नेगेटिव चीज देखी तो आपके वो चित्त में गई, आपने नेगेटिव चीज बोली तो चित्त में गई, तो ये चित्त में जाएगा, चित्त में जाएगा, वो कहां पे मिलेगा आपको, वो आपके भाग्य में कन्वर्ट होके आता है, क्योंकि पंचम से पंचम कौन सा आता है, नवम, तो पंचम में जो भी एनर्जी आप डालोगी वो आपके भाग्य को डिसाइड करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो आप अफर्मेशंस करते हो, जो आप विजुअल बोर्ड बनाते हो, जो आप मेडिटेशन करते हो, जो आप इमेजिन करते हो, इन सभी चीजों का, जो आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, जो भी चित्त में डालोगे वो आपके भाग्य में आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। इसलिए अच्छा गार्बेज इन गार्बेज आउट, पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट। तो जो भी आपने सुनना है, पढ़ना है, देखना है, बोलना है, वो पॉजिटिव रखोगे तो आपका भाग्य भी आप बदल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो फिलॉसफी आप बाहरी देशों में पढ़ते हो या बाहरी जगह पे पढ़ते हो, वो क्या बोलते हैं कि आप अच्छा सोचो, ये है पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, करेक्ट। लेकिन आप बताओ रचिता जी, अगर आपके चित्त में ही मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ गया है तो क्या आपके अंदर अच्छा विचार आ सकता है? कभी नहीं आएगा। तो इसी वजह से इतना पॉजिटिविटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट लोगों को क्यों नहीं मिलता है इतना करने के बावजूद भी, क्योंकि उनके चित्त में अच्छा ही नहीं है, उनके चित्त पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ गया है, मतलब वो जो भी देखेंगे, करेंगे, बोलेंगे उसमें नेगेटिविटी है। तो आप कितना भी अफर्मेशन करोगे क्या इन लोगों को फायदा होगा? नहीं होगा। कितना भी मेडिटेशन करोगे क्या इन लोगों को फायदा होगा? नहीं होगा। तो चित्त को क्लीन करना पड़ेगा, पहले चित्त के ऊपर काम करना पड़ेगा, मंत्र साधना करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जब आपका चित्त मतलब फिफ्थ हाउस क्लीन होगा तब आपको आपके कर्मों का रिजल्ट अच्छे लेवल पे पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है? ओके। तो इसमें फिफ्थ हाउस, अभी देखो कोई भी हाउस को अगर बलवान करना है तो आपको क्या करना पड़ता है बताओ सभी लोग? ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर वीडियोस, सिर्फ रचिता का वीडियो ऑन है, मंत्र जाप करने पड़ेंगे। अगर आपको किसी भी हाउस को पावरफुल करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस हाउस के रिलेटेड मंत्र जाप। आधा सही है आपका आंसर, पूरा सही करो इसको। कौन करेगा पूरा सही? इस हाउस का प्लैनेट के रिलेटेड, प्लैनेट या उस राशि के रिलेटेड। अगर जिस किसी हाउस को आपको बलवान करने का है उसके कारक को बलवान किया जाता है। ओके। कारक तो फिफ्थ हाउस का कारक कौन है? जुपिटर। अगर आपकी लाइफ में तकलीफ है, फिफ्थ हाउस आपका खराब है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, फिफ्थ हाउस क्लीन होगा, फिफ्थ हाउस का कारक बलवान होगा, तो कारक को बलवान करोगे फिफ्थ हाउस बलवान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है? मैम ने वैसे रेमेडी दिया था आपको ये, लास्ट हाँ, या, या। ठीक है। और किसी का प्रश्न? फिफ्थ हाउस फोर्थ हाउस बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये पूरा सीक्रेट यही पे जीतने का लाइफ को। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ये अच्छा प्लेसमेंट है टू अर्न फ्रॉम द प्रॉपर्टी एज वेल। प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी को किराए विराए पे देके पैसा कमाते ना, उसके लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन। क्यों, कोई बताएगा? क्योंकि प्रॉपर्टी का पैसा हो गया ना, ये प्रॉपर्टी से सेकंड हाउस, प्रॉपर्टी का पैसा हो गया, राइट? और ये टैक्स है, जनता से वसूल किया हो गया टैक्स, यहां पे आता है। चलो नाउ द फोर्थ हाउस लॉर्ड गोइंग इनटू द सिक्स्थ हाउस,
अगर छठे हाउस में फोर्थ हाउस लॉर्ड जाता है तो प्रॉपर्टी आपका कहां पे चला गया? प्रॉपर्टी आपका कॉन्फ्लिक्ट में चला गया, झगड़े में चला गया, है ना। प्रॉपर्टी जो है कोर्ट कैसर में चला गया, प्रॉपर्टी बीमारी में चला गया। तो प्रॉपर्टी में तकलीफ चैलेंजेस कोर्ट कचहरी का संबंध ये बनाता है, ठीक है। फिर अगर ये लॉर्ड शुभ होके वहां पे गया है तो किसका एनर्जी वहां पे है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिक्स्थ हाउस? सिक्स्थ हाउस में एनर्जी किसका है? सिक्स्थ हाउस में एनर्जी किसका है? मर्क्यूरी एंड सैटर्न। तो सैटर्न का है और सेकेंडरी कारक जो मंगल है। तो अगर ये शुभ प्लैनेट बनके वहां पे गया है तो ये आपके माइंड को बहुत डिसिप्लिन करता है। मंगल और शनि का एनर्जी दोनों मिला के द पर्सन बिकम्स वेरी वेरी डिसिप्लिन इन द सिक्स्थ हाउस इफ द फोर्थ हाउस लॉर्ड इज बेनिफिक इन नेचर। अब यहाँ पे मदर मदर का जो लॉर्ड है वो रोग पीड़ा में गया, तकलीफ में गया, चैलेंजेस में गया। तो अगर ये पीड़ित है तो ये प्लेसमेंट जो है वो आपकी मतलब मदर को, मतलब मदर कैसे खुद से तीसरे में गया ना, फोर्थ हाउस लॉर्ड गोइंग टू द सिक्स्थ हाउस, मतलब इट इज गोइंग इट इज ट्रैवलिंग थर्ड थ्री प्लेसेस फ्रॉम इटसेल्फ। तो इसीलिए यहाँ पे अगर पाप पीड़ित है तो यहाँ पे इंसान की जो मदर है वो जल्दी गुजर भी सकती है और बहुत हेल्थ इश्यूज को सहन करना पड़ सकता है उनको, ठीक है। अब मन जो है, मन युद्ध की परिस्थिति में चला गया, बार बार युद्ध की परिस्थिति में चला गया। तो अगर ये पीड़ित है तो आपका जो मन है उसके ऊपर दुष्प्रभाव है और ये दुष्प्रभाव इंसान को बीमारी और रोग की जगह पे लेके जा रहा है और कॉन्फ्लिक्ट और वार की जगह पे लेके जा रहा है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर खराब हो सकता है। दिस पर्सन कैन हैव अ वेरी बैड कैरेक्टर, ठीक है। ये हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा मदर के साथ, तो मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा और दुख, मदर से दुख भी प्राप्त होगा इस व्यक्ति को, क्योंकि इसके रोग में गया है, इसके शत्रु में गया है। तो मदर जो है शत्रु की तरह एक्ट करेगी, तो मदर से तकलीफ, मदर से सरो और कॉन्फ्लिक्ट विद द मदर, क्योंकि मदर का जो प्लेनेट है वो खुद से तीन घर चल चुका है। तो मदर के साथ झगड़ा और मदर के कारण दुख, ये दोनों चीजें उसको यहाँ पे पता चलेगी, ठीक है। अब माइंड का जो प्लेसमेंट है खुद से तीसरा है, मतलब माइंड हमेशा कैसे रहेगा? माइंड हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, विवादों में घिरा रहेगा, झगड़े में पड़ा रहेगा। और बिकॉज ऑफ द सिक्स हाउस प्लेसमेंट द पर्सन विल ऑलवेज हैव नेगेटिविटी इन द माइंड। छठे हाउस में तकलीफ है, चैलेंजेस है, रोग रिपु ऋण की बात होती है, इसलिए द पर्सन विल ऑलवेज हैव माइंड इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब ये छठे हाउस की जब हम बात करते हैं तो छठे हाउस में द पर्सन विल ऑलवेज बी डिवाइड ऑफ, मतलब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो प्लेजर का लॉर्ड है, जो कंफर्ट का लॉर्ड है, जो प्लेजर का लॉर्ड है, वो युद्ध की परिस्थिति में गया। युद्ध की परिस्थिति मतलब क्या कि जहां पे आपको प्लेजर के लिए फाइट करना पड़ेगा, प्लेजर के लिए तकलीफ, मतलब यू ऑलवेज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द प्लेजर इजी। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको प्लेजर आसानी से नहीं मिलेगा, उसको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, बहुत फाइट करना पड़ेगा। इसी वजह से ये व्यक्ति को आसानी से प्लेजर नहीं मिलता है और यही कारण है कि साधुओं के चार्ट में भी आपको फोर्थ हाउस लॉर्ड सिक्स में जाते हुए देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी प्लेजर से वंचित है, दूर है। दीज पीपल डू नॉट वॉन्ट टू हैव प्लेजर इन देयर लाइफ, है ना, वो प्लेजर से दूर जाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। तो ये प्लेसमेंट आपको साधुओं के चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। साधु या ऐसे लोग जो डिसिप्लिन नेचर के और इन सब चीजों में नहीं जाना चाहते, प्लेजर के इसमें नहीं जाना चाहते उनके, क्योंकि ये शादी के इसमें से भी छठा हो जाता है ना, मतलब ट्वेल्थ हो जाता है। सेवंथ हाउस से भी ये छठा प्लेसमेंट है ना उसका, प्लेजर का, मतलब आपको शादी में से सुख नहीं मिलेगा। आपका जो सुख का लॉर्ड है वो कहाँ हो गया? वो ट्वेल्थ हो गया फ्रॉम दी सेवंथ, मतलब शादी का सुख आपके लाइफ में, जो सुख है वो शादी से नहीं मिलेगा, वो शादी के बारहवें में है।
डिसिप्लिन में या फिर विनस है इसलिए सर विनस है इसलिए हाँ विनस द एनर्जी ऑफ विनस एंड मून गोइंग इनटू द सिक्स्थ हाउस ट्वेल्थ फ्रॉम द सेवंथ हाउस तो शादी मतलब सुख का लॉर्ड शादी से बारह मतलब शादी से सुख का लेना देना नहीं है सुख और शादी दो अलग अलग चीजें होगी इसमें तो साधुओं के शॉर्ट में या फिर वो लोग जो प्रेजर से दूर जाने उनके लिए ये अच्छा प्लेसमेंट आप में से किसी का है सर इस बार मेरा है हाँ एक ही बार रह सकता है मेरा और हस्बैंड का भी है हाँ तो अगर सर आई हैव वन क्वेश्चन सर हाँ हाँ सर ये प्रॉपर्टी का लॉर्ड सिक्स्थ में जाके बैठा है जो के लोन का कारक है सिक्स्थ हाउस तो प्रॉपर्टी का लोन का संबंध प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना मतलब लोन लेने के लिए आपको एफर्ट्स बहुत लेने पड़ेंगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जब लोन आपको सब डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बावजूद आपको लोन में दिक्कत जाएंगी लोन के लिए झगड़ा करना पड़ेगा लोन के लिए चैलेंज आएगा ओके पर मिलेगा प्रॉपर्टी मनपसंद मिलेगा लेकिन लोन के लिए चैलेंज आपने लोन लिया ऑलरेडी प्रॉपर्टी के ऊपर सर बहुत लोन्स पड़े हैं अभी तो हाँ तो बहुत चैलेंज आएंगे बहुत तकलीफ होगी उसके लिए क्योंकि एफर्ट्स में चला है ना प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी जो एफर्ट में चला गया तो रीपे करने में एफर्ट्स आ रहे हैं हाँ, लोन लेने में एफर्ट्स नहीं आए थे लेकिन रीपेमेंट में एफर्ट्स आ रहे हैं हाँ मतलब उसके लिए कोई और प्लेसमेंट रहेगा यहाँ पे लोन देखो लोन लेना और देना ये दोनों ही सिक्स हाउस से होता है तो लेने में और देने में दोनों में तकलीफ जाएगी अगर तकलीफ है तो दोनों में जाएंगी लेने लेते वक्त भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का ये डिले हुआ रहेगा जल्दी मिला नहीं रहेगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांगे रहेंगे है ना तो लेते वक्त भी चैलेंज गया और पे करते रीपे में भी चैलेंज आएगा या फिर दो तीन बैंक के पास जाना पड़ा रहेगा है ना ओके सर मेलिफिक है बेनिफिक है दीप्ति जी सर मुझे याद नहीं है एक्चुअली सब चेक करना विच लॉर्ड सर इट इज मर्क्यूरी सिक्स्थ मेरा तो सिक्स्थ मर्क्यूरी है मर्क्यूरी सिक्स राशि इज इन फोर्थ हाउस सो मर्क्यूरी है करक लगने की यानी ये अपना द इसकी कुंडली है जेमिनी ना जेमिनी की कुंडली हाँ सर मोस्टली तो नहीं है मैलिफिक नहीं है मैलिफिक नहीं है सर नहीं है ना फिर तो नहीं फिर तो खैर फिर तो रिजल्ट देगा वो मैलिफ नहीं है तो ओके नेक्स्ट संजय जी सर मेरे छोटे बेटे का है वही जेमिनी लग्न है और मरकरी है यहाँ पर सन भी है वीनस भी है और सैटर्न जो इलेवेंथ हाउस में है वो रेट्रो है उसका एस्पेक्ट है हाँ सैटर्न का एस्पेक्ट है और सैटर्न जो है आपके चार्ट में मेरे सबसे सैटर्न लॉर्ड ऑफ दी सेवंथ नहीं लॉर्ड ऑफ दी विच हाउस इज सैटर्न ये आपका मर्क्यूरी है ना तो ये पंचम कितना अष्टम आठवें और नवे का मालिक है ना सैटर्न आठवें और नवे का मालिक है हाँ तो मैलिफिक बनाएगा मैलिफिक बनाएगा ये डिसिप्लिन तो कहीं भी नहीं है सर ही इज नॉट हां तो वो मेलिफिक नेचर का हो गया ना वो प्लैनेट तो अपोजिट रिजल्ट्स है और इस केस में देखो दो चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा दोनों को कि जब हम मर्क्यूरी के लग्न की बात करते हैं तो मर्क्यूरी के लग्न में मतलब जेमिनी लग्न में मर्क्यूरी जो है लग्नेश भी है और फोर्थ हाउस लॉर्ड है मतलब लग्नेश के ऊपर भी ये असर आ रहा है लग्नेश भी है और फोर्थ हाउस लॉर्ड भी है तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है मेलिफिक इन्फ्लुएंस है मतलब ये अपनी बॉडी का भी ख्याल नहीं रखेगा इसको ये बहुत बीमार रह सकता है लाइफ लॉन्ग है ना जब जब वो दशा महादशा अंतरदशा आएगी है ना दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा उसमें बीमारी हो सकती है तकलीफें हो सकती है और मर्क्यूरी है तो इस व्यक्ति को स्किन रिलेटेड इश्यूज होंगे ये व्यक्ति जो है वो स्किन डिसीजेस का शिकार बनेगा ये व्यक्ति जो है इनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं मतलब कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी माता को हार्ट से संबंधित बीमारी हो सकती है आप समझो इनके चेहरे पे क्योंकि ये लग्नेश है इनके चेहरे पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है स्किन रिलेटेड क्यों क्योंकि वो छठे हाउस में मर्क्यूरी मर्क्यूरी इज अबाउट स्किन मर्क्यूरी इज अबाउट पैकेजिंग
तो आपकी बॉडी को पैकेज किसने किया? आपके स्किन ने किया है. इसके लिए ये स्किन रिलेटेड हुआ है कोई ऑलरेडी? नहीं स्किन रिलेटेड ऐसा तो नहीं, कुछ छोटा मोटा इसको होता रहता है, बट ये लाइक अभी इसको बहुत सीवियर डेंगू हो गया, तो ही कीप्स फॉलिंग सिक और वो तो अगर 12th में बैठा ना सैटर्न, 11th में बैठा है, तो 11th में बैठ के कौन सा दृष्टि, 10वां दृष्टि आ रहा है इसमें? नहीं 11th में बैठा, 1 2 3 4 5 6 11th में बैठेगा तो नहीं आएगा ना दृष्टि, 8वीं. अरे सैटर्न को किधर 8वां दृष्टि रहता है यार? ओह सॉरी मैं आप ऐसे sorry. सब प्रेडिक्शन होने के बाद मेरे को लगा 12th में होता अगर सैटर्न तो हॉस्पिटल में पक्का एडमिट करना पड़ता, क्योंकि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का एनर्जी लेके देखता था, 12th का हॉस्पिटल है. ठीक है, सैटर्न इसमें रेट्रो है सर, 11th में. 11th में रेट्रो है मतलब दशम भाव में जाएगा, तो दशम से भी नहीं होता है और 11th में भी नहीं. इसका दृष्टि नहीं है, सैटर्न का दृष्टि नहीं आता. नहीं तो सर ये मेलिफिक नहीं हुआ ना? नहीं मेलिफिक नहीं, बेनिफिक है. अगर और कोई मार्स का आप है सर मार्स चौथे हाउस में है, तो मार्स का भी, मार्स रेट्रो है? नहीं सर रेट्रो नहीं है, तो मार्स का भी एस्पेक्ट नहीं आता. राहु का आप है थर्ड हाउस राहु, वो भी नहीं है, उसका भी एस्पेक्ट नहीं आएगा. थर्ड हाउस राहु का पंचम फिफ्थ हाउस पे आएगा ना? नहीं आएगा, फोर्थ होता है. ठीक है, चलो ठीक है, तो नहीं है इसमें कुछ मालिफिक एस्पेक्ट. बच गया? नहीं बच नहीं गया ना, लग्नेश खुद से छटा गया है. तो लग्नेश अगर खुद से छटा जाएगा तो बीमारी तो होगी, फोर्थ हाउस के एस्पेक्ट के कारण नहीं होगी, मतलब मदर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. लेकिन है ना बीमारी तो होगी. और वीनस और सन साथ में है सर, और मर्करी कंबस्ट है, वीनस भी. ये जो वीनस है इनके चार्ट में वो द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस एंड लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस है ना, थर्ड एंड फिफ्थ का एनर्जी है ना साथ में. चलो आगे चलते हैं, और किसी को प्रश्न है इसको लेके? इसमें बहुत ये हो जाएगा फिर आगे किसी को. सर एक क्वेश्चन है. हाँ बोलिए दीप्ति जी, क्या क्वेश्चन? सर हस्बैंड का भी सेम योग है ना, तो उसका मैलिफिक है, उसके उस पे राहु की दृष्टि पड़ती है. हाँ तो सर, लोन ट्रांसफर कर लो अपने नाम पे. अच्छा वैसे करें, वही रेमेडी पूछ रही थी कुछ और. मैं समझ गया, तो वो एक ज्यादा है इजीियर कि ट्रांसफर कर दो लोन, उनके नाम पे लोन मत रखो है ना. ओके सर, तो प्रॉपर्टी का एफर्ट्स आ गया ना, लोन लोन से संबंधित एफर्ट्स आ गए बहुत. ओके नाउ सेवंथ हाउस. अब सेवंथ हाउस में एनर्जी किसका जाएगा? मून और वीनस का. देखेगा किसको? लग्न को. तो इंसान कैसे हो गया? वेरी वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग. अब लॉट ऑफ हैप्पीनेस गोइंग इनटू द मैरिज, सो द पर्सन विल गेट द हैप्पीनेस आफ्टर द मैरिज. द लॉट ऑफ हैप्पीनेस गोइंग इनटू द द लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इज गोइंग इनटू द मैरिज, द पर्सन कैन गेट द प्रॉपर्टी आफ्टर द मैरिज. द लॉट ऑफ हैप्पीनेस गोइंग इनटू द बिजनेस हाउस, द पर्सन कैन गेट हैप्पीनेस थ्रू हिज बिजनेस है ना. The lot of property is going into the business and the property are connected. So the person can do the property oriented business. ये land business के लिए, flat के business के लिए ये बहुत अच्छा placement है. ठीक है, अब यहाँ पे the person will have good potency, क्योंकि जो energy है वो moon और शुक्र की energy यहाँ पे आ रही है, and that will give the person a good potency, है ना, potency इनकी अच्छी रहेगी. Now, ये शुद्धि, the lord of शुद्धि, शुद्धि मतलब fourth house का lord वृद्धि में जा रहा है, और इन दोनों में जो संबंध बन रहा है वो चतुर्थ दशम का संबंध बन रहा है. मतलब जैसे जैसे चतुर्थ दशम में संबंध क्या होता है,
एक चीज से दूसरी चीज बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे ये व्यक्ति बड़ा बनेगा ये व्यक्ति का मन और प्योर होते जाएगा और अच्छा होते जाएगा। जब कभी सेवंथ हाउस में फोर्थ हाउस लॉर्ड का प्लेसमेंट होता है, जैसे जैसे इंसान का बेहतर होगा, वृद्धि होगी, वैसे वैसे तो इनका मन जो है वो और क्लीन और अच्छा बनते जाएगा, शुद्धि बनते जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द पर्सन इज द लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस इज गोइंग टू द सेवंथ हाउस, और इसी वजह से दिस पर्सन अभी ये एजुकेशन का लॉर्ड है, और एजुकेशन का जो लॉर्ड है क्योंकि फोर्थ हाउस में हम अपना एजुकेशन भी देखते हैं ना, मतलब सेकेंडरी प्राइमरी जो है वो एजुकेशन हम यहाँ से देखते हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पे जैसे ही ये व्यक्ति अपने घर से चार कदम चलता है तो ये व्यक्ति चाहता है कि इसको एजुकेशन से वृद्धि मिले, क्योंकि वृद्धि के घर में जाके बैठा, ग्रोथ के घर में जाके बैठा, इसीलिए ये लोग जनरली हर तरह के नॉलेज में बहुत सारा इंटरेस्ट रखते हैं। दिस पीपल वांट आर इंटरेस्टेड इन ऑल काइंड ऑफ नॉलेज। फिर ये होटल के लिए अच्छा है क्योंकि सेवंथ हाउस फॉर होटल्स और फोर्थ हाउस फॉर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी और होटल्स मिल गए और हैप्पीनेस वहां पे मिल गया और बिजनेस वहां पे मिल गया, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप लॉजिंग का बिजनेस करना चाहते हो, होटल चलाना चाहते हो, देन इट्स वेरी वेरी ठीक है। तो ये बोल दिया कि ये व्यक्ति मैरिज के बाद सक्सेसफुल होगा, मैरिज और सक्सेस कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वृद्धि और हैप्पीनेस कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगर ये पाप पीड़ित बनता है तो क्या होगा, अगर ये पाप पीड़ित है तो डिजायर के घर में वीनस आ गया, मून आ गया, ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा लस्टफुल, और ऐसा व्यक्ति जिसको सेक्सुअल एक्टिविटी से, सेंसुअल एक्टिविटी से प्लेजर मिलता है, क्योंकि हाउस ऑफ द लॉर्ड ऑफ प्लेजर इज कमिंग टू द हाउस ऑफ सेंसुअल एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आदमी भोगी बना देता है, मतलब कपड़े या हर तरह की महंगी चीजें, वो सब चीजें, ऐसी चीजों से जो आनंद प्राप्त करने की जो टेंडेंसी है वो ऐसे व्यक्ति को आती है ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या होता है, दिस पर्सन विल ऑलवेज हैव डिजायर्स, क्यों, क्योंकि डिजायर के घर पे, सेवंथ हाउस इज हाउस ऑफ डिजायर, जो आप डिजायर करना चाहते हो आपके सेवंथ हाउस में रहता है, और हाउस ऑफ हैप्पीनेस का लॉर्ड यहाँ पे आके बोलता, मतलब इस व्यक्ति के डिजायर से ये आनंद प्राप्ति की डिजायर उसकी होती है कि जो उसको आनंद देगी, ऐसी सभी चीजों का ये डिजायर रखता है इसीलिए, और चतुर्थ दशम का रिलेशनशिप है इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लाइफ से कभी भी डिजायर्स खत्म नहीं होते हैं, एक खत्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आता है। दिस पर्सन विल ऑलवेज बी फुल ऑफ डिजायर्स ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सातवें घर में जो भी ग्रह बैठते हैं वो जनरली लेट रिजल्ट देते हैं। लेट क्यों देते हैं, क्योंकि ये सबसे दूर आपके लग्नेश से सबसे दूर है, है ना, इनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर है आपके लग्नेश से, 180 डिग्री होता है इनका, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को जनरली अपने लाइफ में लेट रिजल्ट मिलते, सब कुछ मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा, देरी से मिलेगा ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका शादी है ना, तो सेवंथ में शादी का लॉर्ड आके बैठा है, मतलब स्वराशि है मंगल आपका, समझो वहां पे बैठा है टॉरस लग्न के लिए, तो ऐसे व्यक्ति की शादी के इनिशियल फेज में तकलीफ मिलेगी, इनिशियल फेज में चैलेंजेस आएंगे, और सेकंड फेज में शादी के वो उनको शादी से भी सुख मिलेगा। तो सेवंथ हाउस में जो भी ग्रह आएंगे जनरली दोस ग्रहास विल गिव देयर रिजल्ट्स लेट इन द लाइफ, मतलब फर्स्ट हाफ में ना मिलते हुए सेकंड हाफ में या थोड़ा सा लेट ठीक है। अब सेकंड हाउस में, ये सेवंथ हाउस में एनर्जी आ गई मून की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप्स, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप दर्शाता है। अब अगर ये आपका बैड हो जाए, इफ एफ्लिक्टेड दिस हाउस लॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड हो जाए, तो ये आप यहां से आपका मन जो है वो एफ्लिक्टेड है, और आपकी बुद्धि का ये 12वां लॉर्ड है, आपके चित्त का ये 12वां लॉर्ड है, तो यहाँ पे जब आप लोगों से बातचीत करने की टेंडेंसी करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पब्लिक में डम दर्शाता है ना, समहाउ द पर्सन विल अपियर डम। अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड गोज टू द सेवंथ हाउस, फोर्थ लॉर्ड गोज टू द सेवंथ हाउस और वो अफ्लिक्टेड हो गया,
तो ये जब पब्लिक में जाके बात करता है तो कई बार ये डम्ब प्रतीत होता है, जैसे भी शायद राहुल गांधी का चार्ट अपने को देखना पड़ेगा। सर ये बुद्धि का बारवा कैसे है सर? बुद्धि का क्योंकि चित्त है ना, चित्त का बारवा है ना। फोर्थ हाउस लॉर्ड, फोर्थ हाउस लॉर्ड इज अ लॉर्ड ऑफ 12th हाउस फ्रॉम द चित्त विच इज अ फिफ्थ हाउस। तो कभी कभी इनका चित्त जो है वो सपोर्ट नहीं करता, ये जो बात करने जाते जाएंगे बोलेंगे तो वो एनर्जी से बात करेंगे पब्लिक के साथ, करेक्ट, एनर्जी ऑफ निगेशन ऑफ द चित्त। तो जो चित्त में है वो नहीं बोलेंगे, कुछ और ही बोलेंगे, जो बोलना चाहते वो नहीं बोल पाएंगे पब्लिक के साथ जो कम्युनिकेशन करें, तो इसलिए कभी कभी डम प्रतीत होते हैं। कोई क्वेश्चन? सर आई हैव वन क्वेश्चन। तो अगर इस पे मार्स की 8th दृष्टि आई और वहां पे सन वीनस मर्क्यूरी भी है, मतलब मेरा ही है, मैलिफिक हो गया। ओके मैलिफिक है तो कुछ कुछ तुम बोल दोगी जो बाद में बोलेगी मैंने क्यों बोल दिया। हाँ होता है सर, होगा वो, मतलब इवन दो यू आर इंटेलिजेंट पीपल विल अपीयर यू एज अ, पीपल विल थिंक ऑफ यू एज अ चाइल्डिश पर्सन। हां ओके, तो यू आर व्हिच लॉर्ड? यू आर वीनस ना, 7th लॉर्ड सर, फोर्थ में ये है एरीज, सॉरी 6th है, 6th राशि मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी। सर मेरे ब्रदर का है जुपिटर, फोर्थ हाउस वो है, तो मतलब वो वर्गो, भी है, वर्गो लगना, वर्गो लगना, हाँ जी हाँ ठीक है सर, वो स्वराशि भी है और फोर्थ हाउस लॉर्ड भी यहाँ बैठा है और मरकरी का एस्पेक्ट है लग्नेश से। मर्क्यूरी तो बेनिफिक प्लैनेट है, बेनिफिक है, और किसी भी कहीं से भी ये मेलिफिक भी नहीं है सर, एस्पेक्ट भी नहीं है कहीं, नहीं इनका तो सिर्फ इनका एक ही प्रॉब्लम है, मैरिज में तकलीफ होगा, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो उनका ये बहुत सारे लोगों से जुड़ाव रहेगा ना, द पर्सन विल बी एबल टू कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इनसे मिलकर खुश हो जाएंगे और ये बहुत लोगों से मिलेंगे भी, ये किसी से मिलते नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट है सर। ठीक है, पर लोग इनसे मिलकर खुश हो जाएंगे, है ना, इनका मतलब कहीं ना कहीं द पर्सन, अभी इसमें क्या है, ये स्वराशि है, है ना, जुपिटर जो है यहाँ पे स्वराशि है, तो ये एक चीज तो है कि मैरिज टिक जाएगा, लेकिन जुपिटर विल ऑलवेज, स्वराशि जुपिटर में क्या होता है ना, आदमी हमेशा अपने लेवल के लोगों से मिलना चाहता है, ऑलवेज रिमेम्बर, स्वराशि जुपिटर में आदमी हर एक इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो चाहता है कि अच्छी लेवल का इंसान ही उससे मिले। इनका लग्नेश भी सर स्वराशि है, मरकरी भी उसमें उसी में ही। हाँ, मर्क्यूरी कहाँ पे है? मर्क्यूरी भी वही है, लग्नेश में बैठा है सर, लग्नेश हाँ, लग्न में बैठा है ना मर्क्यूरी, लग्न में, तो वही मर्क्यूरी जुपिटर इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर पर्सन टू बी अ कंसल्टेंट। इसमें मर्क्यूरी जुपिटर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो सिर्फ इनको वाइफ की, मतलब उनकी वाइफ जो है उनकी सुननी पड़ेगी, इनको उन्हीं की सुनते हैं। मर्क्यूरी वी ऑलवेज लिसन टू इट्स गुरु, जुपिटर इज द गुरु ऑफ मर्क्यूरी, तो वो सुनेंगे जरूर। और जुपिटर रेट्रो है सर, लेकिन तो फिर तो पक्का सुनना पड़ेगा, नहीं तो झगड़े होंगे। सुनना ही पड़ेगा वाइफ का। सर सेवेंथ और फोर्थ दोनों जनता के घर है क्या? फोर्थ भी आप बोल रहे हो, फोर्थ में जनता का मन है और सेवेंथ में जनता के साथ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन। हाँ, जनता को जो आप एड्रेस करोगे, जनता को आप बोलोगे, जनता से आप कनेक्ट होंगे, वो सेवन से होंगे, और जनता का जो मन है, माइंड की बात करेंगे तो वो फोर्थ में। इसलिए अगर आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड अच्छा है तो आपके प्रति जनता का जो फीलिंग है वो गुड है, जनता का प्यार आपको कहां से मिलेगा? फोर्थ हाउस से मिलेगा प्यार, और कम्युनिकेशन होगा आपका सेवंथ हाउस, सेवंथ में। तो जनता के साथ आप कैसे कनेक्ट होंगे वो सेवंथ हाउस डिसाइड करेगा, और जनता आपके बारे में क्या फील करेगी वो आपका फोर्थ हाउस डिसाइड करेगा।
तो जनता, अगर आपका फोर्थ हाउस में अच्छा बेनिफिक ग्रह बैठा है तो जनता आपके बारे में अच्छा सोचेगी, जनता आपको प्यार देगी। तो अगर फोर्थ हाउस में मेरी वर्गो राशि है सिक्स्थ राशि बट नो लॉर्ड ओवर देयर, तो क्या एस्पेक्ट देखना पड़ेगा फिर, प्लैनेट ओवर देयर एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं मेरी चार्ट की बात, या फिर सलमान खान के चार्ट की बात करेंगे, तो सलमान खान के मेरे हिसाब से फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा है। ओके, तो सैटर्न मतलब क्या होगा, सैटर्न मतलब सामान्य लोग, हां, और फोर्थ हाउस इज अबाउट व्हाट, फोर्थ हाउस इज अबाउट जनता, प्यार है ना, कंफर्ट है ना, वो सब चीजें। तो सामान्य लोगों के साथ वो जुड़ जाएगा, लॉट ऑफ पीपल, सामान्य लोग उनके मन के साथ जुड़ गए, इसलिए ही विल बी लव्ड बाय हूम, बाय वर्कर्स, बाय लोअर कैटेगरी पीपल, है ना, जो वर्कर्स है या फिर आपके है ना, उसके फैन है, हाँ वो ज्यादा फैन हो जाएंगे उसके, ऐसा वो कनेक्ट होता है। अभी मेरा जो है, मेरा बैठा है सन, मेरा स्वराशियों के सन बैठा है, तो मुझको और जुपिटर का एस्पेक्ट और वीनस है और मर्क्यूरी है, तो कौन से लोगों से मेरा मन जुड़ जाएगा, वीनस अपोजिट सेक्स अपोजिट जेंडर, मर्क्यूरी छोटे बच्चे, जुपिटर गुरुज, हर तरह के गुरु, हर तरह के लोग, और सन मतलब ऑल अथॉरिटी पीपल एंड गवर्नमेंट पीपल, जो कि मैं आपको बताइए, मैं पॉलिटिशियन का काम करता हूँ, मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छा हूँ, मतलब मेरे 80% स्टूडेंट्स आर वीनस, है ना, और 80% ऑफ दैट इज जुपिटर, मतलब आप भी अपने फील्ड में गुरु, आप किसी ने किसी को सिखा रहे हो, आप कंसल्ट कर रहे हो, आप में से आधा, तो ऐसे वो कनेक्ट होता है। okay. और मून चार्ट में अगर मैं जाता हूं, मेरे मून चार्ट में, तो मेरा कर्क लग्न होगा मून चार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। अरे ये म्यूट करो ना, कौन है, हाँ, तो अगर मैं मून चार्ट की बात करता हूं, तो मून चार्ट में मेरा जो सैटर्न है वो उच्च का हो जाता है फोर्थ में, मतलब मेरे मन में किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी निगेटिव विचार नहीं आ सकता है, क्योंकि यहां पे भी जुपिटर का एस्पेक्ट है लग्न में भी, और मून चार्ट में भी सैटर्न उच्च का होकर बैठा है विदाउट एनी एस्पेक्ट, तो वहां पे भी वो उच्च का है, और यहां पे इसलिए मन से संबंधित सब अच्छे लेवल के जो विचार है वो आएंगे, इसलिए किसी ने अपना अपना बुरा भी किया, मैंने बोला ना आपको स्टोरी भी बताया था कि मेरा बुरा भी किया, उसके बारे में अच्छा सोचता कि चलो उसकी जरूरत थी, शायद मेरे पिछले जन्म के कर्म थे इसलिए ऐसा हुआ, तो ऐसे ये प्लैनेट आपके मन को डिक्टेट करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। आप समझ, अपने अपने चार्ट में समझ पा रहे हो ना आप लोग जो मैं बोल रहा हूं, तो राम जो भगवान थे उनका भी शायद फोर्थ हाउस का जो फोर्थ हाउस में कॉम्बिनेशन था इसी तरह का था, फोर्थ हाउस में उनके सैटर्न जो है वो उच्च का होकर बैठा था, लेकिन सैटर्न का क्या है, सैटर्न कर्क लग्न में जो सैटर्न है वो कैसा है, वो छठे नहीं नहीं वो सातवें और आठवें का मालिक है, करेक्ट, कर्क लग्न में तो सातवें और आठवें का मालिक उच्च का होके फोर्थ में बैठा, तो प्रॉब्लम का मालिक किधर आ गया, घर में आ गया, तो घर से संबंधित सबसे बड़े लेवल का प्रॉब्लम उनको आया, करेक्ट, चलो आगे चलते हैं, आई होप यू गाइस गॉट इट, आगे चलते ठीक है, और किसी को भी प्रश्न इसके बारे में कि आगे चलो सेवन के बाद, आप में से किसका है, आपका है ना, सरथी जी रचित तुम्हारा है ना, हाँ, मेरा है, इसमें से क्या क्या हुआ है, अगर बेनिफिट है तो प्रॉपर्टी मिला या फिर यू नो क्या क्या चीज है, बुद्धि शुद्धि, बट ये है सक्सेस बढ़ा, स्टार्टेड, हाँ मतलब सक्सेस बढ़ा, हाँ करियर वाइज इट्स गुड, गोइंग गुड, शादी के बाद ग्रोथ हुआ करियर में, हाँ शादी के बाद करियर का ग्रोथ हुआ, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब चौथा लॉर्ड आठवें घर में जाएगा, तो जैसे ही आपका लॉर्ड प्रॉपर्टी का लॉर्ड खुद से मतलब आठवें घर में जाएगा,
तो क्या होगा, दो तरीके देखो, एक तो यहां पे जो रिलेशनशिप बन रहा है वो चतुर्थ लॉर्ड खुद से पांच घर चल रहा है, और जो आपका अष्टम में जा रहा है। नवम पंचम के रिलेशनशिप में क्या होता है कि यहां से ये ऑर्गेनिक है, यहां पे पूर्व जन्म का रिजल्ट आपको मिलता है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित नवम पंचम का रिलेशनशिप है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपको क्या होगा, पूर्व जन्म का पूर्व पुण्य से प्रॉपर्टी मिल जाएगा। बट क्योंकि ये अष्टम में जा रहा है, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, आपकी मदर को चैलेंजेस जाएंगे, आपको चैलेंजेस जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हो सकता है, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी उठके अष्टम में जा रहा है, अष्टम में लॉस होता है, विनाश होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी के इश्यू आए और आपको प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़े, ठीक है। अगर शुभ है तो प्रॉपर्टी मिलेगी, और पूर्व पुण्य है ना, खुद से पांचवा जा रहा है, तो ऐसे लोगों को गड़ा हुआ धन मिल सकता है, क्योंकि पूर्व पुण्य की बात हो रही है, और पूर्व पुण्य मतलब जो आपने और खजाने में आ गया पूर्व पुण्य, तो इन लोगों को गड़ा हुआ धन मिल सकता है। अरे यार कौन है ये, ठीक है। तो दिस पीपल कैन गेट हिडन ट्रेजर्स। अब ये मदर अष्टम में, आपके अष्टम में मदर गई, तो ये आपकी मदर के लिए अच्छा नहीं, दिस इज बैड फॉर दी मदर, अष्टम का प्लेसमेंट है ना, कहीं ना कहीं ये इश्यूज दर्शाता है, तकलीफ दर्शाता है आपके मदर को संबंधित। अब यहां पे मन जो है वो साधना में गया, आपका माइंड, फोर्थ हाउस लॉर्ड इज योर माइंड, द माइंड इज गोइंग टू दी साधना, माइंड इज गोइंग टू दी समाधि। तो ये अगर बेनिफिक है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर यू टू गेट इन टू दी समाधि। आप जब भी आंखें बंद करके बैठोगे आप बहुत जल्दी समाधि की अवस्था में जा पाओगे, ठीक है। तो ये मंत्र साधना के लिए ये बहुत अच्छा है, मंत्र फोर्थ, ठीक है। तो यहां पे ठीक है, यहां पे आप साधना करोगे, फोर्थ का ये पंचम है, तो फोर्थ का जो ये मंत्र है वो आपका अष्टम भाव है, फोर्थ का मंत्र मतलब फोर्थ का पंचम, तो फोर्थ का पंचम इज योर अष्टम। तो आठवें घर में जाके आप मन के ऊपर किसी भी तरह का मंत्र साधना करोगे तो ये आपको बहुत अच्छा अच्छे लेवल पे समाधि और साधना देगा। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर यू टू हैव अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ योर साधना, मंत्र साधना फॉर योर माइंड, फॉर योर प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे बेनिफिक होना चाहिए, मेलिफिक होगा तो उल्टे रिजल्ट है, ठीक है। अगर मेलिफिक हुआ तो मन आपका उठ के अष्टम में जा रहा है, अष्टम की एनर्जी है, और साथ ही साथ मेलिफिक नेचर का भी है, तो आपके मन को तकलीफ होगी, मन को चैलेंजेस होंगे, मन हमेशा दुखी रहेगा। ये दुखी मन की टेंडेंसी को दर्शाता है। मेरे हिसाब से आज ये नहीं है, उनका ये फोर्थ हाउस लॉर्ड जो है शायद इधर बैठा है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, है ना। तो ये मन की टेंडेंसी दर्शाता है कि मन सर, माइंड इज देयर, फोर्थ हाउस लॉर्ड इन एथ हाउस। हाँ, तो ये अगर मेलिफिक नेचर का हो जाएगा तो हमेशा दुखी रहेगा, मतलब कभी भी सुख नहीं रहेगा मन में, हमेशा दुख 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 आते रहेगा अगर मेलिफिक नेचर का बनेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चार आठ बारह ये मोक्ष त्रिकोण कहलाते हैं, चार आठ बारह ये मोक्ष त्रिकोण कहलाते हैं। तो अगर आपका बेनिफिक प्लैनेट है और बेनिफिक प्लैनेट का जो प्लेसमेंट है वो चार आठ बारह में हो रहा है, चतुर्थ लॉर्ड एट्थ में जा रहा है, या एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में जा रहा है, या ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ में जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मोक्ष की टेंडेंसी, मतलब वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर स्पिरिचुअलिटी, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है स्पिरिचुअल चीजों को
प्राप्त करने के लिए। सर वो आपसे रिपीट करिए ना, कौन सा किसमें जा रहा है, क्या अष्टम का अभी जो 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण कहलाया जाता है। ठीक है, तो जब इनके लॉर्ड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे की जगह पे जाते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। दिस इज विद गुड कॉम्बिनेशन फॉर, लेकिन कब, जब ये बेनिफिक नेचर का है। ठीक है, तो ये अच्छा प्लेसमेंट है फॉर अपना, अगर मन देखो, मन अगर आठवें घर में जा रहा है तो ये दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर यू टू बी एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि आपका मन हमेशा एस्ट्रोलॉजी में लटका हुआ है, 8000 एक्टिविटी में लटका हुआ है। अच्छा है तो अच्छी एक्टिविटी में अटकेगा, बुरा है तो फिर गलत चीजों में चला जाएगा, फिर आप वो गलत व्यवहार या हिडन रिलेशनशिप या हिडन चीजें या वो सब जो बुरी चीजें 8000 की उसमें चला जाएगा मन। अगर बेनिफिक है तो 8000 की अच्छी चीजों में चला जाएगा। तांत्रिक विद्या में जा सकता है। हाँ, तांत्रिक विद्या में बेनिफिक है तो, मैलिफिक है तो सॉरी। हाँ, वो तंत्र में भी देखो, मैं भी तो तांत्रिक हूँ, आप भी तो तांत्रिक हूँ, है ना। तो तंत्र मतलब ये नहीं होता है कि जो काला जादू वगैरह है वो मैलिफिक हो गया, तांत्रिक तो हर कोई है। मैं तो अभियांत्रिक भी हूँ, है ना, मतलब मैं इंजीनियर भी हूँ, है ना। तो ठीक है, दिस इज अबाउट द 8th हाउस। जैसे अभी एकता जी का, आपका मून है ना शायद, एकता जी आपका मून है ना। सर हाँ, मून भी है, वीनस भी है, सन भी है, केतु भी है सर। हाँ, तो आपका मेलिफिक नेचर का है। ठीक है, आपका मेलिफिक नेचर का हो गया आपका 8th हाउस, तो काफी सारे चैलेंजेस जो आएंगे आपको मदर के लिए, नेचर को लेके आप हमेशा थोड़ा सा इसमें रहोगे, है ना सर। मेरे हस्बैंड का भी है सैटर्न है। हाँ, तो लेकिन इनका मन दुखी नहीं रहता, ये चिंतन करते हैं ज्यादा। हाँ, तो वो उसपे ऊपर असर नहीं रहेगा ना किसी और। देखो, सैटर्न भी अपने आप में बेनिफिक ही है, जब तक उसको मैलिफिक इन्फ्लुएंस ना आए। सर मंगल की चौथी दृष्टि है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं, जुपिटर की दृष्टि है नहीं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। वहां पे फिर लॉर्डशिप देखना पड़ेगा आपको। और वहां पे राशि कौन सा आ रहा है? राशि आ रहा है तीसरी, मर्क्यूरी की राशि। हाँ, और सन भी है, केतु भी है। हाँ, तो सन और केतु है ना वहां पे, केतु और सन वहां पे। जो देखो, सैटर्न और सन अगर एक जगह पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे युद्ध की परिस्थिति बनती है, क्योंकि सैटर्न और सन हमेशा एक दूसरे के परम अपोजिट है। और ये मर्क्यूरी किसकी राशि होगी? ये राशि होगी सन के दोस्त की, है ना। मर्क्यूरी और सन दोस्त है। हाँ। और केतु है जो डिटैचमेंट का कारक है। तो यहाँ पे अष्टम भाव में ये अगर अष्टम भाव का काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और यहाँ पे अगर ये 4th हाउस लॉर्ड है, और 5th हाउस लॉर्ड भी है आपका, कौन सा लॉर्ड है ये 4th हाउस, 3rd एंड 4th हाउस, 3rd एंड 4th ना, और 3rd हाउस में जुपिटर है। 3rd हाउस में जुपिटर रेट्रो है। हाँ हाँ, तो रेट्रो तो जुपिटर की दृष्टि है ना। ओके, हाँ जुपिटर की दृष्टि। ऐसे हो गए नहीं, ऐसे हो गए नहीं कि आप ऐसा बोलो कि 4th हाउस लॉर्ड इसमें है और मेलिफिक है और बुरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हो ही नहीं सकता सर। राइट, जुपिटर की रेट्रो की दृष्टि। हाँ, रेट्रो की दृष्टि है ना। जैसे मेरे लग्न में भी राहु बैठा हुआ है, लेकिन रेट्रो जुपिटर का दृष्टि जाता है, इसलिए मेरे पास राहु के सब पॉजिटिव रिजल्ट्स मेरे को मिलते हैं, नेगेटिव कम मिलते हैं या नहीं मिलते। नहीं तो राहु लग्न में बैठा मतलब आदमी कुछ भी करता है ना लाइफ में। सही। सर अगर ये मार्स है तो 4th लॉर्ड इन 8th हाउस, 4th लॉर्ड इन द 8th हाउस, मेलिफिक है बेनिफिक है मार्स, उस पे सैटर्न और जुपिटर दोनों की रेट्रो की दृष्टि आती है। ओके, तो ये बेनिफिक में चला जाएगा, क्योंकि जुपिटर देख रहा है, आफ्टर में जुपिटर देख रहा है तो एवरीबॉडी इज इन लाइन। तो मार्स यहाँ पे आपको सब अभी जो बोले ना सब पॉजिटिव, तो ये आदमी क्या करेगा, ये एक्सरसाइज में ज्यादा फोकस करेगा, इसको एक्सरसाइज करने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, एक्सरसाइज करके इनको मन को बहुत शांति मिलेगी। द पर्सन want to get active physically, 3-3 hours by sun hai sir, 3-3 hours he goes, and when he comes from exercise he feels so relaxed। समझ रहे हैं आपको मैंने कैसे calculate किया? एक
तो ये मार्स आ गया, मार्स मतलब मंगल, मंगल मतलब इसको हमेशा एक्टिव होना है, और एक्टिव किस लिए होना है, एक्टिव होना है मन की शांति के लिए, साधना के लिए, समाधि के लिए। तो ये जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना इनके मन को शांति मिलेगी। ये समाधि की अवस्था कहां से प्राप्त करता है, ये एक्सरसाइज करके समाधि की अवस्था प्राप्त करता है। इसके लिए जब जब ये फिजिकली एक्टिव होता है इसको समाधि मिलती है। तो ये बहुत फोकस्ड होके खेल सकता है, ये फोकस होके बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए। समाधि का मतलब क्या, यू आर देयर फॉर लॉन्ग आवर्स। तो ये 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि वो स्टेट में जाके उसको समाधि का आनंद मिलता है। यस सर, यू आर वेरी राइट। वो खेलने कूदने में भी बहुत ही स्मार्ट है, क्योंकि वो मकर लग्न है ना, तो वहां की सन की सूर्य की राशि भी है। तो फायर में फायर एलिमेंट आ गया, फायर में फायर आया। हाँ। ये तो बैठ नहीं पाएगा, ये समाधि में नहीं बैठ पाएगा, इसको तो फिजिकल एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ सर, तो बहुत एक्टिव है उसको, बहुत बचपन से बहुत एक्टिव रखना पड़ा है। तो इसके इसके लाइफ में एक्टिविटी से समाधि मिलेगा, क्योंकि दोनों गरम गरम है ना, वहां पे बैठ के नहीं, वही आदमी बैठ नहीं सकता, वो चर राशि वहां पे आ गया। फिफ्थ हाउस मतलब फिफ्थ राशि मतलब चर राशि स्थिर आई ना सर। हाँ, तो वो तीर राशि आएगा, लेकिन ये ना अपना क्या बोलते उसको, फायर फायर है ना, फायर में फायर है, बेसिकली फायर है। तो पर्सन विल ऑलवेज बी एक्टिव, कुछ करने की इच्छा, कुछ करने की टेंडेंसी। एट हाउस का प्लेसमेंट बताइए ना इनका प्लीज, एट हाउस में क्या क्या चीज की प्लेसमेंट बताइए ना प्लीज। ये जो फोर्थ हाउस लॉर्ड है वो मंगल है, ठीक है। तो मंगल अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो है एट हाउस में, हाँ, तो इसमें ये मकर लग्न है ना, मकर लग्न की कुंडली है, बराबर है ना, ये है कि नहीं है, वो गायब हो गया। तो मकर लग्न की कुंडली में ये द लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस मतलब मंगल आ गया अष्टम में विथ आस्पेक्ट ऑफ दी आस्पेक्टेड बाय द लग्न एंड दी जुपिटर। सॉरी सर, मेरा टोटली लॉस हो गया बिकॉज इंटरनेट वेंट ऑफ। तो ये लग्न की दृष्टि आ गई है ना, इसके चार्ट में लग्न की दृष्टि आ गई। और किसकी दृष्टि आ गई, जुपिटर की दृष्टि आ गई, और इसकी दृष्टि लग्न पे गई मतलब लग्न लॉर्ड पे गई, और कहां पे गई, थर्ड हाउस में गई। मार्स की दृष्टि कहां कहां पे गई, थर्ड हाउस पे गई ना मार्स की दृष्टि, और पैसे पे गई, और सैटर्न पे गई है ना, सैटर्न पे रेट्रो है। हाँ। तो सैटर्न पे फुल दृष्टि होगी सर, सैटर्न फिफ्थ हाउस से रेट्रो होके फोर्थ हाउस जा रहा है। अच्छा, सैटर्न ऐसा हो रहा है क्या, रेट्रो होके फोर्थ हाउस पे जा रहा है। हाँ। ठीक है, पर इसका तो जुपिटर रेट्रो होके इस पे नजर डालना है ना। हाँ, जुपिटर की फिफ्थ दृष्टि आ रही है सर। अच्छा, जुपिटर की फिफ्थ है। हाँ, ठीक है ना, तो ये तो बेनिफिट हो गया, राइट। और ये मंगल आठवीं दृष्टि से एफर्ट्स को देखेगा, तो ये इंसान, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन, द पर्सन विल पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स है ना, बहुत काम करेगा। ओके, चलो नाइन्थ को चलते हैं। नाइन्थ हाउस, यस, नाइन्थ हाउस में अगर आपका चतुर्थ लॉर्ड चला जाए तो मदर इज लकी फॉर यू, मदर आपके लक में चलेगी, मतलब मदर आपके लिए बहुत लकी हो जाती है। लेकिन क्या ये मदर के लिए अच्छा प्लेसमेंट है, तो मदर के लिए ये छठा प्लेसमेंट है, मतलब आपकी मदर की हेल्थ में चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज द लॉर्ड इज ट्रेवलिंग 6 फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, वापस से ये जो है, अगर मेलिफिक रहेगा तो ठीक है, वापस से ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, केंद्र से त्रिकोण का प्लेसमेंट, मतलब वापस ये राजयोग की बात करता है। ये व्यक्ति जिनका यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, दिस पर्सन गेट्स लव फ्रॉम ऑल दी पीपल, ये सभी तरह के लोगों का प्यार इसको मिलता है। क्यों मिलता है प्यार इसको, क्योंकि वीनस और मून की एनर्जी जो है वो फादर की एनर्जी में आ गई है ना, तो यहाँ पे दिस पर्सन विल गेट लव फ्रॉम मदर एंड फादर बोथ है ना। और ऐसे जो लोग हैं, ये इनका मन जो है वो धार्मिक एक्टिव में चला गया, द पर्सन हैज हिज माइंड टुवर्ड्स दी धर्मा, धर्म रिलेटेड चीजें करने में मजा आता है, इसीलिए दीज पीपल अगेन बिकम डिवोटी
एंड रिलीजियस बाय नेचर, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को हर तरह का सम्मान और ऑनर मिलता है, इनको रिकॉग्निशन बहुत मिलता है। व्हाई? बिकॉज बिकॉज आपके मन में जुपिटर की एनर्जी आ गई है ना, आपका मन और वीनस इन दोनों में किसकी एनर्जी मिल गई, आपकी जुपिटर की एनर्जी मिल गई, जो कि कारक और लॉर्ड भी है नाइन्थ हाउस का, ठीक है। फिर हैप्पीनेस फ्रॉम गुरुज है ना, इनके लाइफ में हैप्पीनेस फ्रॉम गुरुज क्यों, क्योंकि वापस से जो प्लेसमेंट है वो कैसा है, नाइन्थ हाउस में। अगर पाप पीड़ित है तो क्या होगा, तो इनका भविष्य, इनका फॉर्च्यून इनकी मदद नहीं करेगा, इनकी प्रॉपर्टीज में तकलीफ जाएगी, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे गुरुज के साथ बहुत ज्यादा। और ये ऐसे लोगों ने जिनका ये पाप पीड़ित है, ऐसे लोगों ने कभी भी अपने धर्म से अपोजिट में बात नहीं करना चाहिए, अपने गुरु के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। और ये जो प्लेसमेंट है, बिकॉज द फोर्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ एजुकेशन, ये खुद से छठा आठवा होता है, तो ये पोजीशन जो है, नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो अबाउट द लर्निंग, फोर्थ हाउस इज ऑल्सो अबाउट द लर्निंग, इसीलिए छठा आठवा रिलेशनशिप, फोर्थ हाउस लॉर्ड प्लेसमेंट इन द नाइन्थ हाउस कैन शो ब्रेक इन द एजुकेशन। ऐसे ये वो लोग है जो जो वो पढ़ते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, जैसे अभी मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूं, तो मैं जो पढ़ रहा हूं उसका ही काम मैं कर रहा हूं, है ना। तो ऐसे लोग जनरली कुछ पढ़ते कुछ और है और करते कुछ और है। दिस पीपल कैन हैव ब्रेक इन देयर एजुकेशन एज वेल, ठीक है। आप में से किसी का है मेलिफिक नेचर से बन के वहां पे? तो मेरे पास एक चार्ट है, बट उसका जुपिटर, उसका फोर्थ हाउस लॉर्ड इज जुपिटर, इट्स इन नाइन्थ हाउस, वहां पे उसके साथ वीनस, सन और मर्क्यूरी भी है, बट जो आपने बोला उसका कंप्लीटली अपोजिट, ऐसा कुछ है नहीं उसका बेनिफिट, मतलब नहीं है। ये तो बेनिफिक बेनिफिक है, बट उसका ऐसा कुछ है नहीं। हम अदर डायरेक्ट, मतलब जब बॉर्न हुई तब, क्योंकि फोर्थ हाउस में सैटर्न भी है। हाँ, तो क्या 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 नहीं हुआ उनके लाइफ में? मम्मी का और पापा का प्यार इतना उसको कभी मिला नहीं। तो जुपिटर है ना, कारक भाव नाशम हो गया ना, जुपिटर है वहां पे, जुपिटर कारक भाव नाशम ना मदर का मिलेगा, और हाँ, और सैटर्न बैठ गया आपके फोर्थ हाउस में, तो दबाव हो गया। हाँ, तो मदर के साथ अभी सैटर्न लॉर्ड किसका हो गया उसके चार्ट में? सैटर्न विल बी द लॉर्ड ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस, तो मदर के साथ तो वैसे ही तकलीफ है, कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस है, राइट, इश्यूज है। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड बेटा मतलब मदर के साथ इश्यूज क्रिएट कर दिए। हाँ, हाँ, और यहाँ पे कारक भाव नाशम लग गया, फादर की हेल्थ इश्यूज खराब रहती है। फादर के, अगर फादर के साथ रहेगी तो इसका ग्रोथ नहीं होगा, शी विल हैव टू लीव द फादर। नहीं, शादी हुई है बट मिला ही नहीं उसको कभी फादर का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, वो कारक भाव नाशम है इसमें। तो हम जब नया चीज सीख रहे हैं इसका मतलब पुराना भूलना नहीं है। नहीं 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 भाई, मुझे याद है, अभी मैंने देखा चार्ट में कि सैटर्न भी है फोर्थ हाउस में। तो मदर का साथ रिलेशनशिप खराब हो गया सैटर्न ने, लॉर्ड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट गोज इनटू द गोइंग इनटू द फोर्थ हाउस, मदर के साथ रिलेशनशिप खराब, और यहाँ पे कारक भाव नाशम इन द नाइन्थ हाउस, कल कर लेंगे टेंथ कर लेते हैं। अब ये को टेंथ हाउस जो है वो सिद्धि का स्थान है, तो लॉर्ड ऑफ शुद्धि goes to the सिद्धि, मतलब क्या होगा, ये व्यक्ति जो काम करेगा वो बहुत प्यार से करेगा, क्लीन करेगा, कोई गड़बड़ किए बगैर करेगा, और जितना सीखेगा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ एजुकेशन गोइंग टू द सिद्धि, मतलब जितना सीखेगा उतना अपने काम को और बेहतर तरीके से करेगा। The person will do his work with lot of honesty, with lot of love. ये ऐसे लोग हैं जिनको अपने काम से satisfaction मिलता है, काम से happiness मिलता है. These people will love to work a lot. And these people get pleasure out of the work. काम करने से happiness मिलता है. ठीक है? Workaholic नहीं. इनको happiness मिल रहा है काम करके. है ना? Workaholic नहीं. Workaholic मतलब वो काम बहुत करता है. ये लोगों को काम करने में मजा आता है, हैप्पीनेस,
थ्रू द वर्क, क्योंकि हैप्पीनेस कहां पे जाके बैठा है, काम में जाके बैठा है, तो काम से हैप्पीनेस मिलेगा। ठीक है, अब इसीलिए काम से हैप्पीनेस मिलेगा, इसलिए ये काम कौन सा करेंगे, उनको जिस काम से हैप्पीनेस मिलता है वही काम करेंगे। तो अगेन दिस शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सन हु चूजेस व्हाट टू डू, तो ये चूज करेंगे कि किस तरह का काम उनको करना है। ठीक है, अभी यहां पे देखो, जनता विल गिव यू शिक्षण, मतलब यहां पे क्यों जनता विल गिव यू शिक्षण, मतलब क्यों, क्योंकि लॉर्ड जनता का मन, जनता का मन टेंथ में जाके वापस जनता को देख रहा है, मतलब फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो शिक्षण को देख रहा है, तो आप जनता से शिक्षण मिलेगा, मतलब क्या होता है कि आप लोगों को देख देख के भी सीख पाओगे, यू विल लर्न फ्रॉम पीपल अराउंड यू। कविता जी आप म्यूट किया करो ना। ठीक है, अब यहां पे फिर यहां पे और क्या मिलेगा फिर इनको, टेंथ हाउस में वॉन्ट्स टू कैन कंट्रोल, हाँ अभी यहां पे देखिए, ऐसा व्यक्ति जो फोर्थ हाउस में टेंथ हाउस में जाएगा, टेंथ हाउस में क्या आता है, टेंथ हाउस में आप क्या सिद्ध पुरुष बनते हो, राइट, सिद्धि की जब बात करते हैं तो हम टेंथ हाउस की बात करते हैं, तो अगर मैं टेंथ हाउस में जाऊंगा तो सिद्ध हो जाऊंगा, और अगर मैं सिद्ध पुरुष हूं तो सबसे पहली चीज क्या होगी मेरे लाइफ में, क्या आएगी, कौन से लोग अपने काम में सबसे बेस्ट बनते हैं, जो सिद्धि को प्राप्त करते, राइट, और आप कब बोलोगे, जब मैं तेंदुलकर की बात करूंगा, क्या तेंदुलकर को आप सिद्ध पुरुष कंसिडर करोगे, क्या उसने सिद्धि प्राप्त की, यस और नो, यस सर, उसने सिद्धि प्राप्त की, लेकिन वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको अपने लाइफ में बहुत डिसिप्लिन लाना पड़ा, उसने हो सकता है मीठा ना खाया हो, नमक ना खाया हो, ये ना किया हो, वो ना किया हो, तो बहुत सारा त्याग करने के बाद ही आपके लाइफ में सिद्धि आपको मिलती है, समझ रहे हो आप बात, तो यू विल हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट टू गेट अ सिद्धि इन योर लाइफ। इसीलिए ये प्लेसमेंट जो है वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल प्राप्त करता है, क्योंकि इंद्रिय जो है वो आपको हैप्पीनेस दिलाने की बात करते हैं, राइट, अगर आपने मीठा खाया आपको हैप्पीनेस मिला, अगर आपने अच्छे बेड पे सोए आपको हैप्पीनेस मिला, आपने अच्छी कार में ट्रेवल किया आपको हैप्पीनेस मिला, तो लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस गोइंग इनटू द सिद्धि के हाउस, सिद्धि का हाउस, तो जब सिद्धि के हाउस में ये लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस जाएगा, ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति अपने इंद्रियों पे सिद्धि प्राप्त करेगा, विजय प्राप्त करेगा, तो यहाँ पे दिस पर्सन विल बी एबल टू कंट्रोल हिज पंचेंद्रिय, है ना, पांचों जो इंद्रिय उनको कंट्रोल कर पाएगा, अगर ये शुभ है तो, अगर अशुभ रहा तो ये अपने इंद्रियों के हिसाब से चलेगा, तो दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल हिज डिजायर्स, है ना, तो खुशी के लिए जो भी लगता है वो करते जाएगा, कुछ भी कर पाएगा, मतलब उसको जहां से खुशी मिले एनीथिंग ही विल डू, यू नो, इट्स लाइक एवरीथिंग। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्योंकि लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस इज लुकिंग एट द लॉ फोर्थ हाउस बट सिटिंग एट टेंथ हाउस, तो टेंथ हाउस में जो भी ग्रह बैठते हैं वो ये बिजनेस को या नौकरी को डिनोट करते हैं कि ये व्यक्ति कैसे क्षेत्र में काम कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे कर्मा डिफाइन होते हैं, इसलिए जितनी भी फोर्थ हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज है वो यहां पे आप कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को ऑटोमोबाइल, क्योंकि लग्जरी व्हीकल्स जो है फोर्थ हाउस देखते हैं, ऑटोमोबाइल वगैरह इन सब लोगों के लिए अच्छा है। अब ऑलवेज रिमेंबर, कैन यू टेल मी कि राजा का दरबार कहां कहां पे लगेगा, राजा कहां कहां पे है, राजा कहां कहां पे, राजा का दरबार फिफ्थ हाउस में, और राजा जो है वो दिग्बली होता है टेंथ हाउस में, और राजा जो है कारक है फर्स्ट हाउस का, इसीलिए आपकी लाइफ में इन्हीं तीन चीजों से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति कहां पैसा कहां से कमाएगा, ये यही चीजें बताती है कि पैसे के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा किसके पास है, राजा के पास है, राजा ही आपको देगा पैसा, कुछ भी करोगे तो पैसा तो आफ्टर राजा का ही है ना। अब यहां पे क्योंकि ये राजा जहां पे दिग्बली होता है, राजा जहां पे दिग्बली होता है वहां पे हैप्पीनेस का ग्रह पहुंचा है, इसीलिए ये राजा अपने काम से हमेशा कैसे रहेगा, हैप्पी होगा। सो इन लोगों से सभी लोग जो इनके बॉस है या
इनके लिए, ये जिनके लिए काम करेंगे ये सभी लोग इनके लिए, इनके कारण हैप्पी रहेंगे. दीज पीपल विल बी एबल टू गिव हैप्पीनेस थ्रू देयर वर्क टू द अदर. इनके काम से लोग खुश होंगे. ठीक है, मजा आया आप लोगों को आज? वॉज इट गुड? यस सर. सबसे कोई एक टेक अवे, किसी को क्या सबसे अच्छा लगा? तो सुख कहाँ कहाँ मिल सकता है? कंफर्ट, दैट इज दैट वी अंडरस्टैंड अपने खुद के चार्ट में. ओके, मेरे के लिए, मेरे लिए सर राजा का दरबार, दैट वाज इट, नथिंग थिंग. तो तीन ही जगह दृष्टि का बताया. देखो इसीलिए आपका, चलो चलो अभी पंचमाव तो पढ़ने वाले हम लोग ना, तब हम लोग सीखेंगे. और सर 11 12th भी कर लेते मेरा? नहीं यार, मैं ना, ना, ना सर नहीं सर. मेरा भी क्या है, तो ये मेरा भी चौथा लेक्चर हो जाएगा, तो मेरे को ब्रेक, आई रिक्वायर ब्रेक ना. अभी ऑलरेडी दो लेक्चर हो चुके मेरे दिन भर में, दिस इज थर्ड, पर इसके बाद और एक चौथा है. तो कौन सा सिखाया आज? दो दिन में कौन सी क्लास लेते हो? अभी लेता हूं यार, अभी क्या करे, पंचम भाव का सवाल है ना, मेरा शुभ पंचम भाव का सवाल है, तो मेरे को बहुत काम करना पड़ता है. तो पर दिन में तो आप क्लासेस लेते नहीं हो ना? अरे सैटरडे संडे में फुल बिजी रहता हूँ, और कंसल्टेंसी रहती है, क्लासेस रहते हैं, पढ़ाई करना रहता है. इट्स लाइक मैं अभी सवेरे से, सवेरे 10 बजे से बैठा हूँ एक ही जगह पे, अब तो हिला नहीं हूँ, दो बार तीन बार उठा हूँ सिर्फ. तो लॉट ऑफ वर्क, सैटरडे संडे फुल बिजी है, बहुत बहुत काम होता है सैटरडे संडे. चलो फिर कल मिलते हैं, फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे ना. अभी 20 मिनट आई विल गेट फ्रेश एंड आई विल कम बैक एट 9 o'clock. ठीक है, सी यू एट 8:30. वी विल नॉट अटेंड टुडे 9 o'clock वाला सर, टायर्ड हो गए बहुत. क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ क्या बोल रहे आप? कल 8:30 बजे, कल संडे है और कल 4 बजे एक है लेक्चर मेरा, 4 से, तो हम 8 बजे भी कर सकते हैं. आई कैन यू नो पुश, 8 बजे भी चालू करना है तो आई एम कंफर्टेबल, इफ यू आर कंफर्टेबल. सर आप ग्रुप में डाल दे, मैं वी आर कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल, तो 8 से 10 में अच्छा हो जाएगा ना. वेरी गुड सर, 8 o'clock इज फाइन. और आई एम हैप्पी कि यू गाइस आर गेटिंग दैट क्लैरिटी कि क्या मैं बोल रहा हूँ ना. मैं हम लोग काफी क्रिस क्रॉस कनेक्शन लगा रहे, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, एंड हैप्पी कि लॉट ऑफ यू आर नॉट आस्किंग मी कि ये समझाने, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है हम लोग के लिए कि फाइनली एटलीस्ट आपको क्रिस क्रॉस समझ रहा है कि ये यहाँ पे जा रहा है, ये 8वां इधर है, ये 6वां इधर जा रहा है, ये सैटर्न यहाँ, सैटर्न पंचम भाव का मान लो के दशम में जाके बैठा है, ये सब चीजें आपको समझ आ रही है. और लॉट ऑफ यू आर नॉट रेफरिंग टू द डायग्राम, दिस इज वेरी गुड, क्योंकि मैं भी डायग्राम देख रहा हूँ. जितना आप बिना डायग्राम देखे इमेजिन करोगे ना, उतना आपका ज्योतिष और पक्का होता जाएगा. फिर आप बिना चार्ट देखे बात करना चालू करोगे, बोले हाँ क्या, अच्छा कर्क लग्न कुंडली है, तो कर्क लग्न कुंडली में आपका तो 7वां और 11वां लॉर्ड जो है, 7वां और 8वां लॉर्ड जो है वो अपना शनि है, वो कहाँ पे बैठा है. इन दैट वे यू विल टॉक, यू नो इट्स वंडरफुल. तो अच्छे अच्छे ज्योतिष जो आपसे मिलेंगे तो क्रेजी हो जाएंगे कि चल क्या रहा है यार, मतलब हाउ फास्ट यू आर. कहाँ से सीखा है? नहीं वो तो खैर भगवान की दया है कि आप सीख पा रहे हो और हम सिखा पा रहे हैं, नहीं तो ऐसे सब करने के लिए लोगों को 10-15 साल मेहनत करनी पड़ती है. सर आपको क्या लग रहा है, मेरा ठीक जा रहा है? हाँ हाँ कविता जी, आपको अब देखो ये मेरा ना दूसरा साल है जहां पे मैं ऐसे बात कर पा रहा हूँ, है ना. तो आप तो अभी भी सीख रहे हो, आपका तो दूसरा या तीसरा महीना है, चाहे चौथा महीना या पांचवा महीना है, तो बहुत लंबा समय बीतेगा जब आप बहुत एक्सपर्टीज लाओगे अपने बातचीत में, है ना. ठीक है सर. अगर आपका वीडियो एक बार हम दोबारा से देखें विदाउट एनीथिंग, विद फोकस, सब कुछ क्लैरिटी आ जाती है. It is, it सब कुछ मतलब अभी लगता होगा तेज है, but when we replay it and you know and think about it, it's very clear. Then you don't need even a second referral. Very nice. संजय जी आपका तो वो वाला है ना, fifth house में क्या क्या है कि आपका intellect बहुत अच्छा है. इनका क्या है, third house lord in the fifth house. तो क्या होता है, जो देखते हैं वो याद, एक बार याद हो गया तो याद हो गया. हाँ, जब भी वो बोलना चालू करेंगे वो मुंह में आ जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन में आ जाएगा. कुछ मत बोलिए संजय जी. और मेरा क्या है पता है, मेरा है फिफ्थ लॉर्ड गोइंग इनटू द फोर्थ हाउस, मतलब मेरा चित्त और मन जुड़ गया है. तो जब जब मुझको बोलना रहेगा वो चित्त डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मेरा फिफ्थ भी लगन में है. हाँ फिफ्थ भी लगन में, देखो अभी और क्या चाहिए.
इनका चित्त जो है वो बहुत तेज है ना, बहुत मेमोरी बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग। ठीक है संजय जी, अब नहीं बोलेंगे इजी है बिल्कुल भी। हाँ, जिनके लग्न पे उनको ऐसे चढ़ावा मत कि मेरे चित्त पे फिफ्थ हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है। नहीं सर, लेकिन सैटर्न भी है, मेहनत करनी पड़ती है, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसे नहीं आता, फिर भी रिजल्ट तो मिलता है ना। हाँ रिजल्ट, पंचम भाव जिनका अच्छा है उनको लाइफ का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पूर्व पुण्य से सब आ जाता है ना। तो पंचम भाव में अगर आप बहुत काम करोगे, तो मंत्र साधना करोगे, कुछ भी करोगे पंचम भाव के लिए, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट लॉट ऑफ लग्जरीज ऑफ दिस लाइफ। पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व पुण्य। चलो सर आप रेस्ट लो सर, ऐसे काम बात खत्म नहीं होगी भाई। ओके बाय।